युग रोते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना यामिनी, और तुम इस बॉटल के अंदर कैद। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही यामिनी रोते हुए बोल पड़ती है, अब चले जाइए युग बाबू यहाँ से, आप क्यों आए हैं यहाँ, मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, आपको धोखा दिया, आपके दिल को ठेस पहुँचाई, आप फिर भी यहाँ पर आ गए, क्यों युग बाबू क्यों। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यामिनी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यामिनी, मेरी रूह तुम में बसी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता यामिनी, नहीं जी सकता। युग की बातें सुनकर यामिनी की आंखें पूरी तरह अश्कों से भर गई थी। उसे अपनी बातों पर पछतावा होने लग जाता है, जो भी उसने युग से कहा था। युग और यामिनी दोनों की ही आंखें अश्कों से भरी हुई थी। सच्चे प्रेम में जो विरह प्रेमी और प्रेमिकाओं को भोगना पड़ता है, वही विरह इस वक्त युग और यामिनी भोग रहे थे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोना चाहते थे, अपने दिल की बात कहना चाहते थे, अपने अंदर की पीड़ा बाहर निकालना चाहते थे, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों लाचार थे, यही प्रेम का विरह होता है जो सबको भोगना पड़ता है। यामिनी मन ही मन सोचती है, युग बाबू को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे उन्हें यहाँ से निकालना होगा, उन्हें यहाँ से जाने को बोलना होगा, यामिनी रोते हुए कहती है। आप यहाँ से चले जाइए युग बाबू, चले जाइए, यहाँ पर आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से चले जाइए। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यामिनी रोते हुए ही कहती है, नहीं युग बाबू, ऐसा नहीं हो सकता, ये काला साया मुझे यहाँ से नहीं जाने देने वाला, आपको मेरे बिना ही यहाँ से जाना होगा, आप यहाँ से चले जाइए, मेरी जान की फिक्र मत कीजिए, अपनी जान बचाइए, चले जाइए युग बाबू, आपको मेरी। युग पलट कर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि यामिनी की बॉटल के चारों तरफ अचानक धुआं होने लग जाता है। धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉटल भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ पल बाद ही जब धुआं छटता है तो युग देखता है कि बॉटल के अंदर यामिनी तो दिखाई दे रही थी, पर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यामिनी चीख तो रही थी, पर उसकी आवाज बॉटल के अंदर ही दबकर रह गई थी, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उस काले साए ने अपने काले जादू से किया था, जो इस वक्त युग के सामने खड़ा हुआ था। युग को देखकर वो हंसे जा रहा था। यामिनी बॉटल के अंदर से चीखते हुए लगातार अपने दोनों हाथ बॉटल के कांच पर मारे जा रही थी। यामिनी बॉटल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं तोड़ पा रही थी। युग यामिनी को बॉटल के अंदर तड़पते हुए देख उस काले साए से कहता है, ये तुमने क्या किया, मुझे मेरी यामिनी की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही, तूने मेरी यामिनी को इस तरह बॉटल में कैद करके क्यों रखा है, बाहर निकालो उसे, मैं कहता हूँ मेरी यामिनी को बाहर निकालो, क्या किया है तुमने मेरी यामिनी के साथ, बोलो। वो काला साया युग के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए उसे डराते हुए कहता है, अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है, पर युग करना चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखना चाहता है मैं क्या कर सकता हूँ तेरी यामिनी के साथ, हाँ। युग समझ जाता है कि वो काला साया यामिनी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा था। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जो बोलोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी यामिनी को छोड़ दो। वो काला साया धीरे धीरे कहता है, छोड़ दूंगा युग, छोड़ दूंगा मैं तेरी यामिनी को, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है, काम का तो तू है युग। युग अपने आंसू पोंछते हुए उस काले साए से कहता है, बोलो बोलो मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ, क्या करना है मुझे। वो काला साया खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात युग, लगता है तेरी अकल ठिकाने आ गई, काश पहले ही आ जाती तो मुझे इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता, पर क्या करूं, तूने मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे, मेरे बॉटफ्लाई को जो मारा था, उन्हें तड़पाया जो था, तो फिर मैं तुझे बिना तड़पाए ऐसे कैसे छोड़ सकता था, तड़प के बदले तड़प और आंसू के बदले मौत। युग खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। युग जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो काला साया उससे क्या कराना चाहता था, ऐसा कौन सा काम था जो वो काला साया नहीं कर सकता था इतने पावरफुल होने के बावजूद। युग कुछ अंदाजा लगा पाता उससे पहले ही वो काला साया मुद्दे पर आते हुए कहता है, सुना है खोई हुई चीजें ढूंढने में बड़ा माहिर है तू, हर चीज ढूंढ लेता है,
इस यामिनी का शरीर भी तूने ही ढूंढा था ना? जैसे युग उस काले साए के मुंह से यामिनी के शरीर का जिक्र सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। युग मन ही मन उस काले साए को देखते हुए सोचने लग जाता है, इसे यामिनी के शरीर के बारे में कैसे पता चला? वो काला साया हंसते हुए कहता है, अब तू यही सोच रहा है ना कि मुझे ये बात कैसे पता चली? तू शायद भूल रहा है, मैंने तुझसे कहा था मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, हर एक किरदार के बारे में। कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी है और अंत भी। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो काला साया उससे क्या कहना चाहता था, पर वो इतना जरूर समझ गया था कि उस काले साए के पास कई सारी शक्तियां थी, जिस कारण वो युग के मन की बात भी सुन पा रहा था। वो काला साया फिर युग से कहता है, ये यामिनी यक्षिणी होकर खुद अपना शरीर ढूंढ नहीं पाई थी, पर तूने ढूंढ निकाला था युग, क्योंकि तेरे अंदर वो शक्तियां हैं। एक जुनून है और जुनून में इंसान पागल हो जाता है। मुझे भी यही जुनून चाहिए, मेरा काम करने के लिए यही पागलपन चाहिए, तुझे मेरा काम करना होगा। युग उस काले साए को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तू मुझसे कराना क्या चाहता है? काला साया पलट कर जवाब देता है, वही काम दोबारा करवाना चाहता हूँ युग, शरीर ढूंढवाना चाहता हूँ। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, शरीर? काला साया अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ युग, शरीर, तुझे मेरे लिए एक शरीर ढूंढना है। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, शरीर ढूंढना है, पर किसका शरीर ढूंढना है? वो काला साया युग की आंखों में देखते हुए एकदम धीरे से कहता है, तेरे बाप का शरीर। जैसे ही युग काले साए का जवाब सुनता है, वो एकदम खामोश हो जाता है। उसने उम्मीद ही नहीं करी थी कि वो काला साया उसे अनुराग का शरीर ढूंढने के लिए बोलेगा। युग हैरानी के साथ उस काले साए को घूरते हुए कहता है, तुम्हें मेरे पापा का शरीर चाहिए, पर क्यों? वो काला साया युग की बात को काटते हुए कहता है, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते युग। युग पलट कर जवाब देता है, दुनिया में ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका कोई जवाब नहीं है, ये बोलो कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। वो काला साया गुस्से के साथ कहता है, हाँ नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मैं तुझे तेरे सवालों के जवाब देने नहीं, अपना काम कराने लाया हूँ, बोल मेरा काम करेगा या नहीं। युग भी गुस्से के साथ ही पलट कर कहता है, और यदि मैं बोलूँ मैं नहीं करूँगा तो? वो काला साया अपनी शक्तियों से यामिनी की बॉटल को हिलाते हुए कहता है, तो फिर तू जानता है उसका अंजाम क्या होगा। अभी तो मैंने तेरी यामिनी को बस इस बॉटल के अंदर कैद किया है, वो भी उसके शरीर के साथ। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकाल सकता हूँ, दोनों को अलग कर सकता हूँ। फिर मैं उसके शरीर को ऐसी जगह छिपाऊंगा कि तू पाताल से भी कभी ढूंढ कर उसके शरीर को वापस नहीं ला पाएगा। युग, तेरी यामिनी तड़पती रहेगी जैसे पहले तड़प रही थी। काले साए की बात सुनकर युग वापस से घबरा जाता है। बॉटल हिलने के कारण यामिनी बॉटल के अंदर यहाँ से वहाँ होने लग जाती है। वो कस कस कर चीखे जा रही थी, पर उसकी आवाज बॉटल से बाहर ही नहीं निकल रही थी। यामिनी बार बार ना में अपने हाथ और सिर हिला रही थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो युग को इशारा कर रही थी कि वो काले साए की बात ना माने। वो काला साया जो भी उसे करने के लिए बोल रहा था वो ना करे। युग यामिनी का इशारा समझते हुए और उसके आंखों से झरते हुए आंसुओं को देखते हुए कहता है, नहीं, मैं तेरा काम नहीं करूंगा। युग का जवाब सुनकर वो काला साया दंग रह जाता है। उसे युग से ऐसे जवाब की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब करने के बाद युग उसका काम करने के लिए उसे मना करेगा। काला साया हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने? मैंने सुना नहीं। युग और गुस्से के साथ उस काले साए से आंख मिलाते हुए कहता है, मैंने कहा मैं तेरा काम नहीं करूंगा, समझा तू? वो काला साया फिर कुछ कहता उससे पहले ही युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए चीखते हुए कहता है, तू मारना चाहता है ना? मार दे हम दोनों को, यहीं पर खत्म कर दे हम दोनों की कहानी, मार दे मेरी यामिनी को भी और मुझे भी। हम दोनों साथ में जी तो नहीं सकते, पर कम से कम मर तो सकते हैं ना। युग की बातें सुनकर यामिनी की आंखों से भी आंसू निकलने लग गए थे। वो एकदम शांत हो गई थी। उसने बॉटल के कांच को पीटना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी को बॉटल के बाहर की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, पर बस युग को यामिनी की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही थी। अचानक से कमरे के अंदर खामोशी छा गई थी। एक गहरे सन्नाटे ने ग्रेवयार्ड कोठी के हर कमरे को घेर लिया था। युग जानता था अगर उसने उस काले साए का काम कर भी दिया तो वो काला साया कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहने वाला था।
सबका अंत होने वाला था, इसलिए युग ने ऐसी बात कही थी। अगर अंत ही निश्चित है तो अभी क्यों ना हो जाए। कमरे के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। तभी वो काला साया हंसने लग जाता है। कमरे के अंदर उसकी हंसी गूंजने लग गई थी। उस काले साये की हंसी में एक अलग ही पैटर्न था। जब भी वो हंसता था तो 3 बार कहता था। युग गुस्से के साथ कहता है, हंस मत, तुझे मारना है ना तो मार दे, हम दोनों को ही मार दे, पर मैं तेरा काम नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साथ में मर सकते हैं, पर इस दुनिया को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। वो काला साया युग को घूरते हुए कहता है, मुझे पता है तू मरना क्यों चाहता है, आखिर अब तू जीना चाहे भी तो किसके लिए जिएगा। जिस बाप से तू प्यार करता था वो तो बचपन में ही मर गया था बेचारा, और तेरी माँ वो तो किसी के साथ भाग गई थी, भगौड़ी कहीं की, और जो दोस्त थे तेरे अब वो तेरे ही दुश्मन बन गए हैं, तेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करते। और रही यामिनी की बात, तो वो तुझसे प्यार तो करती है पर तेरी कभी हो नहीं सकती अपने अभिशाप के कारण, और अगर वो तेरी होना भी चाहे तो उसे पहले तुझे मारना पड़ेगा, तब जाकर वो तेरी हो पाएगी। तेरे जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं है योग सिवाय दुख के, इसी दुख से छुटकारा पाने के लिए तू मरना चाहता है ना यामिनी के साथ, मुझे अच्छे से पता है। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, खामोश खड़ा रहता है। वो काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे मरना है तो मर जाना युग, मुझे तेरे जीने मरने से कोई मतलब नहीं, बस मरने से पहले मेरा काम करके जा, समझा। युग गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा ना मैं तेरा काम नहीं करने वाला, अगर तुझे मुझे मारना है तो मार दे, पर मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे लिए, ये बात तू अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। काला साया पलट कर कहता है, मार दूंगा युग, मार दूंगा मैं तुझे भी, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो वो भी मैं पूरी कर दूंगा, पर मेरे पास कुछ है तेरे लिए जिसे देखने के बाद तू मरना नहीं चाहेगा मेरे काम को अंजाम तक पहुंचाए बिना। युग खामोशी रहता है, उसकी समझ नहीं आ रहा था कि उस काले साये के कहने का मतलब क्या था। अगले ही पल वो काला साया फिर अपने काले हाथ से सामने बनी दीवार की तरफ इशारा करता है और उसके अंदर से एक ईंट अपने आप बाहर आ जाती है, जिसके अंदर से एक और कांच की बोतल निकलती है, पर कांच की बोतल के पास बहुत सारा धुआं मंडरा रहा था जिस कारण समझ नहीं आ रहा था कि बोतल के अंदर क्या चीज थी। वो बोतल का ढक्कन ठीक वैसा ही था जैसी बोतल के अंदर इस वक्त यामिनी कैद थी। युग मन में सोचता है, अब इस बोतल के अंदर कौन कैद है। युग ने इतना सोचा ही था कि तभी एक रोते हुए आदमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिलाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। जैसे ही युग के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, युग की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, उसकी आंखें भर आती हैं। कई सालों बाद युग उस आवाज को सुन रहा था, पर उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो आवाज किसी ऐसे शख्स की थी जो युग के सबसे ज्यादा करीब था। वो आवाज युग के किसी अपने की थी। फिर आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिलाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। फिर आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिलाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। ये आवाज सुनकर युग की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई थी। अगले ही पल युग रोते हुए कहता है, पापा पापा पापा। आदमी की आवाज किसी और की नहीं बल्कि युग के पिता अनुराग की थी। अनुराग की फिर आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिलाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिला, निजात दिलाओ इस दुनिया से। युग रोते हुए कहता है, पापा पापा आप कहाँ हैं, पापा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। काला साया अपने हाथ से उस बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरा बाप यहीं पर है युग, इस बोतल के अंदर। उस काले साये ने कहीं और नहीं बल्कि उसी बोतल की तरफ इशारा किया था जिसके आसपास धुआं मंडरा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बोतल के अंदर आखिर क्या चीज थी, लेकिन आवाज उसी तरफ से आ रही थी। वो काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, 14 साल पहले तेरा बाप मर तो गया था पर उसे मुक्ति नहीं मिली थी, और फिर मैंने उसे भी कैद कर लिया। क्या तू अपने बाप को मुक्ति नहीं दिलाना चाहता। युग खामोशी रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है।
इतने सालों बाद अपने पिता की आवाज सुनकर वो पूरी तरह भावुक हो गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहते जा रही थी। वो काला साया युग की भावनाओं का फायदा उठाते हुए कहता है, दिलाना चाहता है ना युग अपने बाप को तो मुक्ति, आखिर एक बेटे का तो फर्ज होता है अपने पिता को इस दुनिया से मुक्ति दिलाना। आखिरी लाइन वो काला साया गुस्से के साथ कहता है, अगर तू अपने बाप को मुक्ति दिलाना चाहता है तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, तभी तेरे बाप को इस बॉटल में से मुक्ति मिलेगी, समझा तू। युग खामोशी रहता है, बस एक टक नजर से उस बॉटल को देखते रहता है जिसके आसपास अभी भी धुआं मंडरा रहा था। उसे अभी भी उस बॉटल के अंदर धुएं के कारण अनुराग दिखाई नहीं दिया था। अनुराग को फिर रोती हुई आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिलाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकता, मुझे मुक्ति दिलाओ। बॉटल को देखते हुए युग को न जाने क्या होता है, वो ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ये सब सच नहीं है, ये सब छलावा है, तू फिर मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। पहले भी तूने मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में लाने के लिए यामिनी की आवाज निकाली थी और अब तू अपना काम कराने के लिए मेरे पापा की आवाज निकाल रहा है, पर मैं इस बार तेरे जाल में नहीं फंसने वाला, समझा तू, मैं तेरा काम नहीं करूंगा। काला साया युग को समझाते हुए कहता है, ये जाल नहीं है युग, यही सच है, ये हकीकत है, इसे कबूल कर। युग पलट कर कहता है, अगर ये सब सच है तो मुझे मेरे पापा दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मुझे उनकी सिर्फ आवाज ही क्यों सुनाई दे रही है। वो काला साया हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे पता है तू ऐसा इसलिए बोल रहा है ना ताकि मैं तुझे तेरे बाप से मिलवाऊं, कई साल हो गए ना तुझे उसे देखे हुए, तू उससे मिलना चाहता है ना, बात करना चाहता है, देखना चाहता है, पर तू भी मेरी बात गौर से सुन ले, अगर तुझे तेरे बाप को देखना है, तू चाहता है उसे मुक्ति मिल जाए तो तुझे मेरा काम करना होगा, समझा तू, वरना भूल जा सब कुछ। युग कुछ फैसला ले पाता उससे पहले ही अगले ही पल वो काला साया धुएं से बना अपना हाथ आगे करता है और अचानक से उसके हाथ में एक काले रंग का पेन आ जाता है जो काफी पुराना लग रहा था, जिसमें सबसे ऊपर अप डाउन करने वाली बटन लगी थी। काला साया वो पेन युग को दिखाते हुए कहता है, ये पेन तो तू पहचानता ही होगा ना युग। युग उस पेन को देखते हुए कहता है, ये पेन तो मेरे पापा का है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। काला साया हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग ये वही पेन है, तेरा बाप ये पेन अपने पास रखेगा भी क्यों नहीं, आखिर लेखकों की रूह उनके पेनों में जो बसती है, पर तेरे बाप की रूह मेरे पास कैद है, अगर तू उसे मुक्ति दिलाना चाहता है तो मेरा काम कर, तभी तेरे बाप को भी मुक्ति मिल पाएगी। क्या तू अपने बाप को इस दुनिया से मुक्ति नहीं दिलाना चाहता, कैसा बेटा है तू। युग कुछ सोच पाता उससे पहले ही फिर अनुराग की आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिला युग बेटा, मुझे मुक्ति दिला यहां से। अपने पिता की आवाज और पेन देखकर युग पूरी तरह भावनाओं में बह जाता है और हड़बड़ाहट के साथ रोते हुए कहता है, मैं दिलाऊंगा मुक्ति आपको पापा, मैं दिलाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा आपको मुक्ति दिलाएगा। अब युग को भी यकीन हो गया था कि उस कांच की बोतल के अंदर सच में अनुराग कैद था जिसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। युग बौखलाहट के साथ कहता है, देख तू मेरे पिता को छोड़ दे, उन्हें मुक्ति पा लेने दे, उसके बदले में तू जो कराना चाहता है सब करने के लिए तैयार हूँ मैं, बोल क्या करना है मुझे। काला साया पलट कर कहता है, तेरी शक्तियों के साथ तेरी याददाश्त भी कमजोर है युग, अभी तो मैंने तुझे सब कुछ बताया कि मुझे तेरे बाप यानी अनुराग का शरीर चाहिए, उसकी लाश चाहिए। युग काले साये से कहता है, पर मैं अपने पिता की लाश कहाँ से ला कर दूं तुझे, अब तक तो उनकी लाश नष्ट हो गई होगी, गल गई होगी, उन्हें मरे हुए कई साल हो गए हैं और मुझे नहीं पता उनकी लाश कहाँ है, हमें उनकी लाश नहीं मिली थी। काला साया धीरे धीरे कहता है, तेरे बाप का शरीर एकदम सही सलामत है, बिल्कुल वैसा का वैसा रखा हुआ है जब वो मरा था, उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, उसका अस्तित्व अभी भी है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरे पिता की लाश एकदम सही सलामत है, अगर तुझे ये पता है तो फिर ये भी पता होगा कि मेरे पिता की लाश कहाँ पर है, बोल मेरे पिता की लाश कहाँ पर है। वो काला साया कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश रहता है। अगले ही पल वो खुद से बड़बड़ाने लग जाता है, प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। युग हैरानी के साथ मन में सोचता है, अब ये क्या बकवास कर रहा है। काला साया फिर युग से कहता है,
मैंने कहा युग मुझे तेरे बाप की लाश ला कर दे। युग परेशान होते हुए कहता है, पर कहाँ से ला कर दूँ, मुझे नहीं पता उनकी लाश कहाँ पर है। काला साया कहता है, अगर पता नहीं है तो पता कर, समझा? अगर अपने बाप को मेरी कैद से मुक्ति दिलाना चाहता है तो तुझे उसकी लाश मुझे लाकर देनी होगी, समझा? वरना भूल जा अपने बाप को। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, योग यामिनी की बोतल की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे मेरे पापा का शरीर चाहिए ना, तो फिर तुझे यामिनी को बाहर निकालना होगा, वही यक्षिणी है। सब कहते हैं उसी ने मेरे पापा को मारा था, उसी को पता है मेरे पापा की लाश कहाँ पर है, क्योंकि ग्रेवयार्ड कोठी में मरने के बाद मेरे पापा की लाश किसी को नहीं मिली थी। युग की बातें सुनकर काला साया हंसने लग जाता है। युग के फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था वो काला साया क्यों हंस रहा था। युग फिर उस काले साये से कहता है, मैंने कहा यामिनी को बाहर निकालो, उसी को पता है मेरे पापा की लाश कहाँ पर है, उसे ही पता है, उसी ने उन्हें मारा था। काला साया युग से कहता है, उसे कुछ नहीं पता युग, वो बच्ची है, वो है नहीं जो तू समझ रहा है, वो कोई और है। वो क्या, यहाँ पर हर कोई कोई और है, वो है ही नहीं जो वो है। युग काले साये की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपनी बात मनवाते हुए कहता है, मैंने कहा यामिनी को बाहर निकालो, उसे सब पता है। काला साया हंसते हुए कहता है, उसे तो सब पता है युग, पर तुझे कुछ नहीं पता, तू एक नंबर का बेवकूफ है। अगर उसे पता होता कि तेरे बाप की लाश कहाँ पर है तो मैं उससे ही नहीं पूछ लेता, तेरे साथ अपना वक्त जाया क्यों करता। युग को भी उस काले साये की बात ठीक लग रही थी, पर तब भी वो अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैंने कहा यामिनी को बाहर निकालो। काला साया कहता है, युग बेवकूफ तू है, मैं नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तेरे दिमाग में फिर कोई चालाकी भरा प्लान चल रहा है ना, तू चाहता है मैं यामिनी को बाहर निकालू ताकि तुम दोनों मिलकर फिर मुझ पर हमला करो और अनुराग को मुक्ति दिला दो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझा तू। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कर तू यामिनी को बाहर मत निकाल, बस मुझे उससे बात करने दे जैसे उससे पहले कर रहा था, मेरा उससे बात करना जरूरी है। वो काला साया युग को मना करते हुए कहता है, अब तेरी यामिनी से बात तभी होगी जब तू अपने बाप का शरीर लेकर आएगा, समझा? उस काले साये को देखकर साफ लग रहा था जैसे वो चाहता ही नहीं था कि युग यामिनी से अब कुछ भी बात करे, जैसे उसे किसी बात का डर हो कि यामिनी उसे कुछ बता ना दे या फिर उसे अनुराग का शरीर ढूंढने से मना न कर दे। युग फिर कहता है, मुझे बस एक बार यामिनी से बात करने दे। काला साया गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा ना, नहीं, अब जल्दी कर, तेरे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है, 3 दिन बाद लाल चांद निकलने वाला है और उससे पहले मुझे तेरे बाप का शरीर चाहिए, समझा तू? युग पलट कर कहता है, मेरे पापा ही क्यों, एक काम करो, तू मेरा शरीर ले ले, तुझे उसके साथ जो करना है कर, बस उसके बदले में मेरे पापा को मुक्ति और यामिनी को छोड़ दे। काला साया हंसते हुए कहता है, ले लेता युग, मैं तेरा शरीर भी, पर तेरे शरीर में वो बात नहीं है जो तेरे बाप के शरीर में है, तेरे बाप के शरीर में वो बात है जो किसी के शरीर में नहीं। युग हैरानी के साथ कहता है, ऐसी क्या खास बात है मेरे पापा के शरीर में? काला साया बात को काटते हुए कहता है, वक्त गुजरते जा रहा है युग, वैसे ही तेरे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 3 दिन है तेरे पास, अगर 3 दिन में तेरे बाप का शरीर तू नहीं लाया तो तू जानता है क्या होगा। युग खामोश रहता है। कांच की बोतल में से यामिनी वापस से नामे अपने हाथ हिलाने लग गई थी, चीखने लग गई थी, जैसे कह रही हो कि उस काले साये की बातों में ना आए, जो वो बोल रहा है करने को वो ना करे। युग यामिनी पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो ये सोचने में खो गया था कि वो कैसे अपने अनुराग की लाश ढूंढेगा, वो लाश जो इन 14 सालों में आज तक किसी को नहीं मिली। युग मायूसी के साथ वहां से जाने लगता है, तभी वो काला साया युग को रोकते हुए कहता है, रुक युग, तू ऐसे कैसे खाली हाथ जा सकता है, मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद कई लोग तुझे भटकाने वाले हैं और तू उनकी सुनेगा, क्योंकि तू कभी अपने मन की सुनता ही नहीं, वही करता है जो हमेशा दूसरे कहते हैं। वो काला साया अनुराग का पेन युग को दिखाते हुए कहता है, इसलिए अपने बाप का ये पेन तू अपने पास रख, ये तुझे याद दिलाते रहेगा कि तेरे बाप को मुक्ति नहीं मिली है, और यदि तू चाहता है कि उसे मुक्ति मिले तो तुझे 3 दिन के अंदर उसका शरीर ढूंढना है, समझा तू? अब तू कभी अपने मकसद से नहीं भटकने वाला, अगर लगे तो बस एक बार इस पेन को थाम लेना, समझा? तुझे याद आ जाएगा कि तेरे बाप को मुक्ति नहीं मिली और वो अभी तक मुक्ति के लिए तड़प रहा है। युग कहता कुछ नहीं, बस अगले ही पल उस पेन को थाम लेता है। वो काला साया भारी आवाज में धीरे धीरे बड़बड़ाता है,
प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। वो काला साया बार बार यही बड़बड़ाने लग जाता है और बड़बड़ाते हुए ही वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही वो दोनों बॉटलें भी गायब हो जाती हैं, जिसमें एक बॉटल के अंदर यामिनी कैद थी। उसके गायब होने के बाद भी उसकी प्रथम अंतिम क्षण वाली बात ही कमरे के अंदर गूंजती रहती है। इस तरफ हवेली के अंदर सभी की नींद खुल गई थी सिवाय अभिमन्यु के। वो अभी भी अपने बेड पर आराम कर रहा था, उसे ग्लूकोज की बॉटल चढ़ी हुई थी। अभिमन्यु के कमरे के बाहर अमोदिता ने हड़कंप मचा कर रखा हुआ था। वो हर तरफ युग को ढूंढ रही थी पर उसे युग कहीं नहीं मिल रहा था। उसे रास्ते में जो भी मिल रहा था वो उससे युग के बारे में पूछ रही थी पर किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। गलियारे में एक कछुआ और कायर खड़े हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कछुए से पूछती है, कछुआ तूने युग जी को देखा क्या? कछुआ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा। अमोदिता हम दोनों की नींद तो खुद अभी खुली है और अभी अभिमन्यु को देखने जा रहे थे कि अब उसकी तबीयत कैसी है, कायर कुछ सोचते हुए कहता है। युग तो अपने कमरे में होगा ना, आजकल वो अपने कमरे से बाहर निकलता ही कहाँ है। अमोदिता परेशान होते हुए पलट कर कहती है, युग जी अपने कमरे में नहीं है कायर, तभी तो तुम दोनों से पूछ रही हूँ उनके बारे में। पता नहीं युग जी कहाँ चले गए, ऊपर से अपने साथ अपना मोबाइल भी नहीं ले गए, उनका मोबाइल भी यहीं पर है। कछुआ हैरानी के साथ मन में सोचता है, ये युग कहाँ चले गए अब? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। कछुआ हैरानी के साथ मन में सोचता है, ये युग कहाँ चले गया अब? युग को ढूंढते हुए ही अमोदिता कछुआ और कायर नीचे हॉल में आ जाते हैं। नीचे हॉल में ही बाकी सब बैठे हुए थे। अमोदिता ने युग के हवेली में ना होने की बात हवेली में मौजूद बाकी सब लोगों को बता दी थी। अमोदिता के हॉल में पहुंचते ही रजनी परेशान होने का नाटक करते हुए अमोदिता से पूछती है, क्या हुआ अमोदिता बेटी, युग बेटा मिला तुझे? अमोदिता मायूसी के साथ जवाब देती है, नहीं माँ नहीं मिले मुझे युग जी कहीं भी, हवेली का हर एक कमरा ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं है। जानकी घबराते हुए रोते हुए कहती है, क्या कहा, युग बेटा कहीं नहीं है, फिर मेरा बेटा युग कहाँ गया, कहाँ गया वो? इस वक्त युग की सबसे ज्यादा किसी को फिक्र थी तो वो जानकी और अमोदिता को थी और वो फिक्र उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। अमोदिता फिर कहती है, पता नहीं बुआ युग जी कहाँ है, कल रात को जब युग जी खाना खाने नीचे नहीं आए थे तो बाद में मैं उनके लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई थी, तब तो वो अपने कमरे में ही थे, पर आज सुबह जब मैं उनसे मिलने उनके कमरे में गई तो वो वहाँ पर नहीं थे। ऊपर से रात के खाने की प्लेट जो मैं उनके लिए लेकर गई थी वो वैसी की वैसी रखी हुई थी, युग जी ने उसे छुआ तक नहीं था। अमोदिता की बात सुनकर जानकी और घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, मतलब मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया, वो बेचारा भूखा होगा, पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगा, वो ठीक होगा भी या नहीं, मेरी तो जान निकले जा रही है उसके बारे में सोच सोच कर। वंदना भी मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर ये युग कहाँ पर चला गया, अब एकदम से बिना किसी को कुछ बताए। डायना मन में सोचने लग जाती है, लगता है कल रात मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है, लगेगा भी कैसे नहीं, डायन जो हूँ मैं और डायन का वार कभी खाली नहीं जाता है। जरूर युग गुस्से गुस्से में ग्रेवयार्ड को ठीक गया होगा उस काले साए से लड़ने के लिए, और अब तक तो उस काले साए ने उसका खेल खत्म भी कर दिया होगा, मर गया होगा युग। डायना बदले की आग में मन में सोचती है, बड़ी आई थी यक्षिणी मेरे अभी को मारने वाली और यहाँ यहाँ पर मैंने उसके युग को मरवा दिया, अब ना उसे उसके अभिशाप से मुक्ति मिलेगी ना उसका प्रेम मिलेगा, वो ऐसे ही तड़पती रहेगी जैसे सदियों से तड़पते हुए आ रही है, बदला इसे कहते हैं, एक डायन के प्रेम का बदला। जानकी फिर युग की फिक्र करते हुए बड़बड़ा पड़ती है, पता नहीं मेरा युग बेटा कहाँ पर और किस साल में होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं, मेरी तो जान निकले जा रही है उसके बारे में सोच सोच कर, पता नहीं कहाँ चले गया वो। अमोदिता दिलासा देते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए बुआ, युग जी बिल्कुल ठीक होंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। कायर जानकी की चिंता कम करने के लिए ऐसे ही बोल पड़ता है, हाँ आंटी जी आप ना बेवजह ही फिक्र कर रही हैं, हो सकता है युग कहीं गया हो, देखना वो आ जाएगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रजनी बीच में दखल देते हुए कहती है, पर युग को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, कम से कम किसी को तो बता कर जाता, उसे तो पता ही है कि गांव में क्या चल रहा है, सब लोग कितने डरे हुए हैं और ऊपर से ऐसी हरकतें करके वो सबको और डरा रहा है। हॉल में ही दिलीप और बल्लू काका भी थे। दिलीप खामोशी के साथ बैठा हुआ था।
उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो युग की इस हरकत के कारण उस पर बहुत गुस्सा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर अपना गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बढ़ाया जा रहा था, जो बस किसी के कुछ बोलने पर फूटने का इंतजार कर रहा था। और वो काम कोई और नहीं, जानकी अगले ही पल कर देती है। जानकी रोते हुए दिलीप से कहती है, आप कुछ करते क्यों नहीं जी, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए क्यों है? अपने आदमियों से मेरे युग बेटे को ढूंढने के लिए बोलते क्यों नहीं है? दिलीप अपने अंदर की सारी भड़ास एक ही बार में बाहर निकालते हुए कहता है, क्या ढूंढने के लिए बोलूं? मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो अपने आदमियों से उसे ढूंढने के लिए बोलूं? वो जो भाग चुका है, भूल मत इन बाप बेटों की पुरानी आदत है मुसीबतों से भाग जाना। जैसा बाप था वैसा ही बेटा है। जरूर वो युग डर कर यहाँ से चला गया होगा। अच्छा ही है जो वो चले गया, ये जो किया धरा है सब उसी का है। अब कोई नई मुसीबत नहीं आएगी, जो पुरानी मुसीबतें हैं उनसे मैं निपट लूंगा। दिलीप की बातें सीधे जानकी के दिल को ठेस पहुंचा देती है और वो बिना डरे बड़े रौब के साथ कहती है, क्या कहा आपने? आप निपट लेंगे, पर कैसे जी? आज तक आपने अपने दम पर भी कुछ किया है? हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कभी खुद कुछ नहीं करते हैं और जो करता है उसका साथ भी नहीं देते हैं। आप ही बताइए कैसे निपटेंगे उस यक्षिणी और काले साए से? क्या कर लेंगे आप उनका? दिलीप खामोशी रहता है क्योंकि इस वक्त उसके पास जानकी के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा गई थी। जानकी को इतने गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा था, दिलीप ने भी नहीं। कोई हॉल के अंदर छाई खामोशी को तोड़ता उससे पहले ही बल्लू दरवाजे की तरफ देखकर खुश होते हुए कहता है, छोटे मालिक आ गए छोटे मालिक। जैसे बल्लू ये बात बोलता है सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि युग खड़ा हुआ था जो काफी थका हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर और हाथ पैर पर छोटी मोटी खरोचें आईं, जिसे देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ में अपने पापा का पेन पकड़ कर रखा हुआ था, जैसे रास्ते भर उसी पेन को देखते हुए आ रहा हो। जानकी जैसे युग को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखती है, वो भागते हुए युग के पास जाती है और हड़बड़ाहट के साथ बोलती है, तू आ गया युग बेटे, कहाँ चले गया था और तेरी तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? युग कुछ कहता उससे पहले ही अमोदिता भी घबराते हुए कहती है, युग जी आपको इतनी सारी चोटें कैसे आईं? आप कहाँ गए थे? आपकी किसी के साथ हाथापाई हुई क्या? जरा देखिए तो आपकी कोहनी से कितना खून बह रहा है। हे भगवान! युग जानकी के कंधों पर अपना बोझ रखते हुए एकदम थके हुए लहजे में कहता है, पानी पानी पानी। युग का गला प्यास से सूखे जा रहा था, उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो वो प्यास से अपना दम तोड़ देगा। जानकी घबराते हुए अमोदिता से कहती है, अमोदिता जा जल्दी युग बेटे के लिए पानी लेकर आ। जानकी की बात सुनते ही अमोदिता दौड़ते हुए जाती है और कुछ ही मिनट में कांच की गिलास में पानी लेकर आ जाती है। युग बौखलाहट के साथ पानी पीने लग जाता है। धड़ाधड़ उसके गले से नीचे उतरे हुए पानी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे कितनी तेज प्यास लगी हुई थी। डायना युग को पानी पीते हुए देखकर मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग का बच्चा जिंदा कैसे बचकर आ गया? मुझे तो लगा था अब सीधे इसकी लाश के दर्शन होंगे, पर ये तो खुद जीता जागता यहाँ पर पधार गया। पर कैसे? क्या उस काले साई ने से कुछ किया नहीं? दिलीप भी युग को वहां पर देखकर हैरान हो गया था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे युग के वहां वापस आने की जरा से भी खुशी नहीं थी, बल्कि वो भी युग को मन ही मन कोस रहा था कि युग क्यों वापस आ गया। दिलीप युग को गुस्से से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग ने अपने हाथ में जो पेन पकड़ कर रखा हुआ था उस पर पड़ती है। युग के हाथ में वो पेन देखकर दिलीप दंग रह जाता है। दिलीप उस काले पेन को देखकर मन में सोचने लग जाता है, ये पेन तो वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पागल अनुराग हमेशा अपने पास रखता था, अपने कुर्ते की ऊपर वाली जेब में। हाँ ये पेन तो वही है, पर ये पेन इस युग के पास कैसे आ गया? दिलीप कुछ और सोच पाता उससे पहले ही कछुआ युग से पूछ बैठता है, तू कहाँ गया था युग और तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? युग खोए हुए अंदाज में कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं ग्रेवयार्ड कोर्ट ही गया था। जैसे ही युग ये बात बोलता है उसकी बात सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कायर डरते हुए हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तूने? तू ग्रेवयार्ड कोर्ट ही गया था, पर क्यों? युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, उस काले साए को मारने के लिए। ये जो कुछ भी हो रहा है उस काले साए की वजह से ही हो रहा है। उसी ने मेरी यामिनी को वो सब करने के लिए मजबूर किया था।
वरना वो अभिमन्यु पर कभी हमला नहीं करती, है ना डायना? इतना कहकर युग डायना की तरफ देखने लग जाता है, पर डायना कुछ नहीं कहती। वो जानती थी अगर उसने कुछ भी कहा तो वो फंस सकती थी, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। जानकी डरते हुए कहती है, पर युग बेटा, तुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, तुझे पता है ना वहां पर तेरी जान का खतरा है, फिर तू वहां पर क्यों गया? कछुआ युग पर बिलखते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या युग? तूने ग्रेवयार्ड कोठी जाने की सोची भी कैसे? तू जानता है ना वो काला साया कितना ताकतवर है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाया था, मैं भी नहीं, फिर तू ग्रेवयार्ड कोठी क्यों गया था? युग गुस्से के साथ ही कहता है, मैंने कहा तो मैं उस काले साये को मारने गया था। कछुआ युग पर चिढ़ते हुए कहता है, युग तू पागल हो गया था क्या जो उसे मारने चला गया था? वो काला साया है काला साया, ऐसे ही नहीं मरने वाला, वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग तेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी, तुझे इस तरह से ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाना चाहिए था, और तूने सोच भी कैसे लिया कि तू उस काले साये को मार सकता है? उसे मारने के लिए बहुत शक्ति चाहिए जो हम में नहीं है। युग बड़बड़ाता है, शक्ति आ गई थी तभी तो उसे मारने गया था, और यदि नहीं भी आती तो भी मारने जाने वाला था। युग की बातें सुनकर कछुआ हैरानी के साथ पूछता है, शक्ति आ गई थी मतलब? तू कहना क्या चाहता है युग, मैं कुछ समझा नहीं। युग अपने हाथ की कलाई पर बने निशानों को दिखाते हुए कहता है, ये निशान कछुआ, ये निशान कोई मामूली निशान नहीं है, बल्कि ये मुझे शक्तियाँ देते हैं। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, शक्तियाँ देते हैं? कैसी शक्तियाँ? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अलग अलग शक्तियाँ, कभी मेरे दोनों हाथ आग की तरह गर्म हो जाते हैं तो कभी बर्फ से भी ठंडे हो जाते हैं, तो कभी हवा के बवंडर की तरह किसी भी चीज को अपने पास खींचने की शक्ति आ जाती है इनमें। कछुए को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि युग उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये बात युग ने कछुए के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अच्छे से भांप ली थी। युग अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तू नहीं समझ पा रहा है, रुक मैं तुझे अभी करके दिखाता हूँ। इतना कहकर अमोदिता जो पानी लेकर उस कांच के गिलास में आई थी उसे युग अपने हाथ में पकड़ता है और उसके अंदर के पानी को गर्म करने की कोशिश करने लग जाता है। बल्लू को युग के हाथ की कलाई पर जो निशान बने थे वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो युग के थोड़े पास आ जाता है, और जब वो उन चार निशानों को देखता है तो उसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बल्लू घबराते हुए मन में सोचने लग जाता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटे मालिक के हाथ में ये निशान नहीं बनने चाहिए थे, नहीं बनने चाहिए थे, ये ठीक नहीं हुआ। बल्लू युग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी दिलीप चुपके से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ना में इशारा कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे दिलीप भी उन निशानों के बारे में कुछ जानता हो। बल्लू जहां पर था वहीं पर रुक जाता है, युग को कुछ नहीं बताता है। युग अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पानी को गर्म करने की कोशिश कर रहा था, पर उस पानी पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। वो फिर वो पानी को ठंडा करने की कोशिश करता है पर वो भी नहीं होता है, यहाँ तक कि वो पानी को हवा में भी उड़ाने की कोशिश करता है पर उसमें भी नाकामयाब हो जाता है। युग घबराते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो गया, ये मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं, ये पानी उड़ क्यों नहीं रहा है। युग फिर कोशिश करता है पर फिर कुछ नहीं होता है। युग परेशान हो गया था पर कुछ हो नहीं रहा था। युग अपने हाथ पर बने निशानों को देखते हुए कहता है, ये हो क्या रहा है, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही। कछुआ युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग शक्तियां तो तब काम करेंगी ना जब होगी, तू रात भर नहीं सोया है ना, उसी के कारण तू ये सब बोल रहा है, शक्तियां आग हवा पता नहीं क्या क्या, मुझे लगता है तुझे अभी आराम की सख्त जरूरत है, तुझे कुछ देर सो जाना चाहिए। कायर भी कछुआ का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग तुझे आराम करना चाहिए, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। युग चिढ़ते हुए कहता है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, समझा तू, तुम लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास शक्तियां हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, युग सच बोल रहा है, उसके पास शक्तियां हैं। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, उसे घूरने लग जाते हैं। कछुआ डायना को घूरते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकती हो डायना कि युग के पास शक्तियां हैं, क्या तुमने उसे उन शक्तियों का यूज करते हुए देखा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। कछुआ डायना को घूरते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकती हो डायना कि युग के पास शक्तियां हैं, क्या तुमने उसे उन शक्तियों का यूज करते हुए देखा था? डायना चतुराई के साथ कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, नहीं कछुआ, मैंने युग को शक्तियों का यूज करते हुए नहीं देखा,
पर लगता है तुमने हवेली के बाहर जो लोहे का गेट था उसका क्या हाल हुआ है वो देखा नहीं है। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो सुबह से हवेली के बाहर नहीं गया था। कायर का भी यही हाल था। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम दोनों जब उठे नहीं थे और अमोदिता जब युग को उसके कमरे में देखने नहीं गई थी, उससे पहले हम लोग यहाँ पर बैठकर यही सोच रहे थे कि हवेली के गेट के साथ आखिर हुआ क्या होगा। उसके पास ऐसी कौन सी गर्म चीज आई होगी कि वो पिघल गया होगा। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, पिघल गया? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ कछुआ पिघल गया, वो भी पूरा का पूरा गेट। बाहर जाकर देखो जरा, वो पिघला लोहा अभी तक गर्म है। हम सब तो सुबह से कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि उसका ये हाल कैसे हुआ होगा, कौन सी गर्म चीज उसके पास आई होगी। पर अभी जब युग ने कहा कि उसका हाथ लोहे की तरह गर्म हो जाता है तो मैं समझ गई कि उसके पास क्या चीज आई होगी। डायना अपनी बात पूरी करते हुए युग की तरफ देखते हुए कहती है, युग दरवाजे का वो हाल तुमने ही किया है ना, उस लोहे के गेट को तुमने ही पिघलाया था ना। युग हड़बड़ाहट के साथ हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना वो सब मैंने ही किया था, उसके बाद ही तो मुझे मेरे अंदर की शक्ति का एहसास हुआ था। चलो कोई तो है जो मुझ पर भरोसा कर रहा है वरना। युग कछुआ और कायर को घूरते हुए कहता है, यहाँ पर तो मेरे ही दोस्त मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं, मुझे झूठा बोल रहे हैं, मुझे पागल समझ रहे हैं। युग की बात सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है। कछुआ डायना को घूरते हुए कहता है, लगता है डायना कल रात तुम्हारी भी नींद पूरी नहीं हुई, सोई नहीं हो सही से, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो युग की तरह। डायना तुरंत पलट कर कहती है, कछुआ मेरी तो पूरी नींद हुई है पर लगता है तुम्हारी नहीं हुई है। जरा एक बार बाहर जाकर देखो, देखो लोहे के गेट का क्या हाल हुआ है, फिर तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, और ये भी कि कौन बहका हुआ है। डायना के इतना कहते ही कछुआ अपनी जगह पर से उठता है और हवेली के बाहर जाने लग जाता है। कायर भी कछुए के पीछे पीछे ही चले जाता है। कछुए के जाते ही युग डायना से कहता है, थैंक यू डायना मुझ पर यकीन करने के लिए। डायना कहती है, इसमें थैंक यू की क्या बात है युग, अब दोस्त दोस्त पर यकीन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अभी के बाद एक मैं ही तो तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त हूँ। युग हाँ में अपना सिर हिलाने ही वाला था कि तभी अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, मैं भी युग जी, मुझे भी आप पर पूरा यकीन है, मुझे तो लगता ही था कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, जरूर कोई ना कोई शक्तियाँ हैं आपके अंदर। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी कछुआ और कायर वापस से हवेली के अंदर आ जाते हैं। पर इस बार जब वो अंदर आते हैं तो दोनों एकदम खामोश हो जाते हैं, जैसे बाहर उन्होंने कोई सांप देख लिया हो। कायर और कछुआ दोनों खामोशी के साथ बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। युग कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, क्या तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेरे पास पावर है? कछुआ युग को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुझे पावर्स कैसे मिले युग? युग अगले ही पल अपने हाथों पर बने चार निशानों को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये पावर मुझे कैसे मिले, पर मुझे लगता है कि ये पावर इन्हीं निशानों के कारण मिले हैं। कछुआ पलट कर कहता है, तूने कहा था कि तू ग्रेवयार्ड कोठी गया था, इसका मतलब कि तू सच में ग्रेवयार्ड कोठी गया था उस काले साए को मारने के लिए, क्या तूने उस काले साए को मार दिया युग? युग के जवाब देने से पहले ही कायर बोल पड़ता है, मार ही दिया होगा युग ने उसे, आखिर उसके पास पावर जो है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कायर मैं उसे नहीं मार पाया, उसे मारने के लिए और पावर की जरूरत है, मेरी ये पावर उसके सामने कुछ नहीं। डायना तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बीच में बोल पड़ती है, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? युग उस काले साए को तो तुम्हें मार देना चाहिए था, वहीं पर जब तुम खुद उसके हाथों मरने गए थे तो। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब लोग डायना को घूरने लग जाते हैं। डायना बात को घुमाते हुए अपने ऊपर से शक हटाते हुए कहती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम बचकर कैसे आ गए युग, क्या तुम उस काले साए को चकमा देकर भाग कर आ गए? युग रात के खौफनाक पलों को याद करते हुए कहता है, नहीं डायना मैं भाग कर नहीं आया हूँ, बल्कि उसने मेरे साथ। इतना कहकर युग वो सब बातें बताने लग जाता है जो भी कल रात उसके और उस काले साए के बीच में हुई थी। जैसे जैसे युग रात का किस्सा बताते जा रहा था वहाँ पर मौजूद सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि युग की बातों ने उनके दिलों में उस काले साए के खिलाफ एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे ही युग अपनी बात खत्म करता है डायना खुश होते हुए कहती है, क्या कहा युग, उस काले साए ने यामिनी को कैद कर लिया सच में? जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब लोग फिर उसे घूरने लग जाते हैं। डायना समझ जाती है कि उसे इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए था। अमोदिता मन में सोचने लग जाती है, ये डायना कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही। अगले ही पल डायना नाटक करते हुए मायूसी के साथ कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, बताओ अभी तो उसे उसका शरीर मिला था और फिर कैद हो गई। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि वो यक्षिणी है भी या नहीं,
क्योंकि यक्षिणी इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती है कि इतनी आसानी से उस काले साए से हार जाए। युग कुछ जवाब नहीं देता है। रात का किस्सा याद करके उसकी आंखों के सामने फिर से बोतल में कैद तड़पती हुई यामिनी का चेहरा घूमने लग गया था। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, जब यामिनी को पता था कि ग्रेवयार्ड कोठी में खतरा है, वहाँ पर वो काला साया है जिससे उसे खतरा है, तो फिर वो वहाँ पर गई ही क्यों? उसे वहाँ पर जाने की जरूरत ही क्या थी? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता वो वहाँ पर क्यों गई थी। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपनी यामिनी को उस काले साए की कैद से आजाद करना है, और इतना ही नहीं, अपने पापा की रूह को मुक्ति भी दिलानी है जो उस काले साए के पास कैद है। दिलीप बीच में दखल देते हुए कहता है, उस काले साए के पास तेरे बाप अनुराग की रूह कैसे कैद हो सकती है, और उसे अनुराग की लाश क्यों चाहिए, वो उसका क्या करेगा? युग परेशान होते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए चीखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या चाहता है और क्यों, उसे बस पापा की लाश से मतलब है। कछुआ युग से पूछता है, फिर तू क्या करेगा युग? युग आक्रोश में जवाब देता है, अगर उसे पापा की लाश चाहिए तो मैं उसे ला कर दूंगा। अपने पापा की रूह को और अपनी यामिनी को उसकी कैद से छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रजनी युग को देखते हुए उससे पूछती है, पर युग बेटा, तुम अनुराग भैया की लाश कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? तुम्हें पता है ना, जब यक्षिणी ने उन्हें मारा था उसके बाद उनकी लाश किसी को नहीं मिली थी, जो कि आज तक गायब है। वो गुत्थी आज तक सुलझ ही नहीं पाई। युग प्रण लेते हुए कहता है, अगर गुत्थी आज तक नहीं सुलझी तो अब सुलझेगी मामी जी, क्योंकि सारी गुत्थियां सुलझने का वक्त आ गया है, उस काले साए का अंत भी। कायर युग से पूछता है, पर युग, तू अनुराग अंकल की लाश ढूंढेगा कैसे? हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है जहाँ से हम अनुराग अंकल की लाश को ढूंढना शुरू करें, और बिना सुराग के कुछ भी चीज ढूंढना इम्पॉसिबल है। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, तू अनुराग अंकल की लाश कैसे ढूंढेगा? अमोदिता के मन में भी इस वक्त यही सवाल चल रहा था कि युग अनुराग अंकल की लाश को कैसे ढूंढेगा, वो लाश जिसके राज को दफन हुए 14 साल हो गए हैं। सिर्फ अमोदिता ही नहीं, वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोगों के मन में भी इस वक्त एक यही सवाल चल रहा था कि युग आखिर अनुराग की लाश को इतने सालों बाद कैसे ढूंढेगा। कायर और कछुआ का सवाल सुनने के बाद युग भी खामोश रहता है। सच तो ये था कि उसके पास दोनों के सवालों का कुछ जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने पिता की लाश कैसे ढूंढने वाला है। बस सबको हौसला देने के लिए उसने जोश जोश में बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पिता की लाश ढूंढ कर रहेगा। जिंदगी में कई बार हम अपनों को हौसला देने के लिए अपने अंदर का डर और आंसुओं को छुपा लेते हैं ताकि हमारे अपने कमजोर न पड़े, और आज वही युग ने किया था। वो अपने आंसू और डर दोनों पी गया था अपने दोस्तों के लिए। युग काफी परेशान हो गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अनुराग की लाश को कैसे ढूंढे, कहां से शुरू करे। उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, और जिंदगी के मोड़ में जब भी हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है जिसकी दिशा हमें हमारा सच्चा दोस्त दिखाता है, और युग का एक ही सच्चा दोस्त था अभिमन्यु। ऐसी मुसीबत में युग को अभिमन्यु की याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि अभिमन्यु ही था जो उसे हमेशा हर मुश्किल से निकालता था। आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद भी उसे अभिमन्यु की ही याद बार बार आ रही थी। युग अपने आसपास देखते हुए बड़बड़ाता है, अभिमन्यु, अभिमन्यु कहाँ पर है? कछुआ जवाब देता है, वो अपने कमरे में है और इस वक्त आराम कर रहा है। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मुझे अभिमन्यु को सब कुछ बताना होगा, वही है जो मेरी मदद कर सकता है, मुझे उससे मिलना होगा, उसे सब कुछ बताना होगा। इतना कहकर युग अपने कदम अभिमन्यु की तरफ बढ़ाने लग जाता है, पर उसी वक्त उसके सामने डायना आ जाती है और उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, युग, तुम अभी से नहीं मिल सकते हो। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, नहीं मिल सकता, पर क्यों? डायना जवाब देती है, क्योंकि वो इस वक्त सो रहा है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। युग झट से बोलता है, हाँ डायना, मुझे पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर तुम समझ नहीं रही हो, मेरा अभिमन्यु से मिलना बहुत जरूरी है, वही मेरी मदद कर सकता है, मुझे रास्ता दिखा सकता है। डायना कहती है, हाँ युग, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अभिमन्यु की मदद की बहुत जरूरत है, और ये मदद की जरूरत तुम्हें हमेशा से पड़ती आ रही है, तुम्हें हर काम में उसकी मदद पड़ती है, उसके बिना तुम कुछ नहीं। डायना एक के बाद एक तंज युग पर कसे जा रही थी, और ये बात युग भी काफी अच्छे से समझ गया था। युग सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, डायना, तुमसे बातें करने का वक्त नहीं है, हालात बहुत खराब हो गए हैं। डायना युग को बीच में टोकते हुए कहती है, सिर्फ यहाँ पर हालात नहीं युग, लोगों के हालात भी बहुत खराब हो रहे हैं, और वो अभी है, तुम्हें पता भी है उस बेचारे के साथ रात में क्या हुआ है, वो रात भर नहीं सो पाया है, अपने दर्द से तड़पते रहा है, और सुबह जब वो कुछ देर सोया है तो तुम उसे उठाने के लिए बोल रहे हो, कैसे दोस्त हो तुम,
तुम्हें उसकी कोई फिक्र है भी या नहीं? युग खामोश रहता है क्योंकि उसे भी इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अभिमन्यु की इस हालत का कोई जिम्मेदार था तो वो खुद था। डायना अपना पूरा गुस्सा युग पर निकालते हुए कहती है, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो युग, कभी अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते हो, हमेशा यामिनी यामिनी करते रहते हो। तुम्हारी यामिनी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिंदगी, फिर हम सब की जिंदगी का क्या? क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है? हम अपने बारे में नहीं सोच सकते? युग अभी भी खामोश रहता है। डायना की बातें तीर बनकर उसके दिल को लग रही थी। डायना नम आंखों के साथ कहती है, देखो युग, मैं तुम्हें अभी से मिलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अभी को तुम्हारी मदद करने के लिए मना करूंगी, क्योंकि अगर मैं उसे मना भी करूंगी तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा। वो ऐसा ही है, हमेशा अपने बारे में सोचने से पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। पर तुम भी तो उसके दोस्त हो ना, तो क्या तुम उसके बारे में जरा भी नहीं सोच सकते? तुम्हें अभिमन्यु से मिलना है, बात करनी है, कर लेना, पर इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे नींद की जरूरत है, वो रात भर नहीं सो पाया था। युग डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु के साथ रात में क्या हो रहा था? वो क्यों नहीं सो पाया था रात भर? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है। युग डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु के साथ रात में क्या हो रहा था? वो क्यों नहीं सो पाया था रात भर? डायना युग के सवाल का जवाब देते हुए कुछ घबराते हुए कहती है, अभिमन्यु के साथ रात में क्या हो रहा था, अब ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कुछ बहुत बुरा हो रहा था उसके साथ। वो दर्द से तड़पे जा रहा था, चीखे जा रहा था। मैंने देखा था अपनी इन्हीं आंखों से, उसके सीने पर जो घाव था वो बड़ा हो रहा है, उसके पूरे बदन पर फैल रहा है वो घाव। कछुआ बीच में दखल देते हुए कहता है, डायना तुम कहीं उसी घाव की बात तो नहीं कर रही हो जिसके बारे में तुम बोल रही थी कि एक अस्त्र यूज करने के कारण अभिमन्यु के बदन पर वो घाव आया है? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ कछुआ, मैं उसी घाव के बारे में बात कर रही हूँ, और अब तो वो घाव और बढ़ रहा है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? अभिमन्यु तो कह रहा था उसका वो घाव ठीक हो रहा है, अमोदिता उसका ट्रीटमेंट कर रही है। डायना झट से जवाब देती है, वो झूठ बोल रहा था युग, ताकि तुम उसकी फिक्र ना करो, और सिर्फ एक झूठ नहीं है, ऐसे ही कई झूठ उसने तुमसे कहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसकी फिक्र में ना रहो। उसका घाव कोई कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ते जा रहा है, और अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो कहीं उसे कुछ। डायना अपनी बात को पूरी करे बिना चुप हो जाती है, जैसे वो इसके आगे कुछ ऐसा कहने जा रही थी जिसके बारे में सोचकर भी उसकी रूह कांप रही थी। बातें करते करते ही उसकी आंखें नम हो गई थी। डायना भले ही कैसी भी हो, उसके दिल में युग और यामिनी के लिए कितनी भी नफरत हो, पर उसकी नम आंखें साफ बता रही थी कि उसके दिल में अभिमन्यु के लिए बहुत प्यार था। वो सच में अभिमन्यु से बहुत प्यार करती थी, इतना कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी और किसी की जान ले भी सकती थी। अमोदिता को भी डायना की आंखों में अभिमन्यु के लिए वो प्यार दिखने लग गया था। अमोदिता भी मायूसी के साथ युग से कहती है, डायना सच बोल रही है युग जी, अभिमन्यु की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इलाज तो तब होगा ना जब वो बीमारी हो। वो बीमारी नहीं है, कुछ और ही है। उसके सीने पर एक ऐसा घाव है जो फैलते जा रहा है। पहले मुझे लगा कि मैं उसे ठीक कर दूंगी, पर लगता नहीं। युग भी घबराते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो अमोदिता, कुछ तो इलाज होगा। अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग जी, कुछ इलाज नहीं है, बल्कि अगर ऐसे ही घाव बढ़ता रहा तो अभिमन्यु नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। जैसे ही अमोदिता ये बात बोलती है, कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। डायना अपने आंसू बहने से रोकते हुए कहती है, सुन लिया युग, अमोदिता ने क्या कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभिमन्यु मर जाएगा। मर जाएगा क्या, धीरे धीरे मर ही रहा है, पर तुम्हें इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी यामिनी को बचाना है ना, अपने पापा को मुक्ति दिलानी है जिसके लिए उनका शरीर ढूंढना है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा दोस्त मरे या जिंदा रहे, क्योंकि तुम्हें बस अपनी जिंदगी से मतलब है, अपने दोस्तों की नहीं। डायना की बातों ने युग को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या सच में वो इतना सेल्फिश था कि हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में सोचता था, अपने दोस्तों के नहीं। डायना अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, युग इस वक्त तुम्हें ये पता करना चाहिए कि अभिमन्यु कैसे ठीक होगा, उसके घाव का क्या इलाज है, ना कि अपने पिता की लाश ढूंढनी चाहिए। तुम्हारे पिता तो जा ही चुके हैं, पर अभिमन्यु तो अभी भी जिंदा है ना। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, अपने पिता की लाश ढूंढकर अपनी प्रेमिका यामिनी को बचाना है, या फिर अभिमन्यु के घाव का इलाज ढूंढकर अपने दोस्त को बचाना है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। डायना के सवालों ने युग को चारों खाने चित्त कर दिया था।
उसके लिए फैसला लेना काफी मुश्किल था कि वो किसे चुने। एक तरफ अगर उसका प्यार उसकी प्रेमिका यामिनी थी तो दूसरी तरफ उसका दोस्त अभिमन्यु था जिसने उसे प्यार का मतलब सिखाया था। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो डायना फिर खुद बोल पड़ती है, तुम भले ही अभी तक फैसला ना ले पाए हो युग, पर मैंने फैसला ले लिया है। मैं अभिमन्यु की मदद करूंगी, उसकी जान बचाऊंगी, पता करूंगी कि कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। तुम्हें भले ही तुम्हारे दोस्त की कोई फिक्र ना हो पर मुझे जरूर है। इतना कहकर डायना वहां से चली जाती है। युग वहीं पर मूर्ति बनकर खड़ा रहता है। वो इस वक्त अभिमन्यु को नींद में से जगाने का इरादा बदल देता है। डायना के सवालों ने उसे एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया था। उसके लिए दोस्ती और प्यार दोनों में से किसी एक चीज को चुनना मुश्किल था। उसके पास वक्त वैसे ही बहुत कम था। उस काले साए ने उसे बस 3 दिन का वक्त दिया था। डायना की बातों ने कछुए के दिल में भी अभिमन्यु की फिक्र जगा दी थी। कछुआ मन में सोचता है, डायना ठीक कह रही है, हमें कुछ करना होगा। मैं अभिमन्यु को ऐसे नहीं देख सकता, वो मेरा भी दोस्त है, मुझे कुछ करना होगा। मैं युग का साथ नहीं दूंगा बल्कि अपने दोस्त अभिमन्यु की जान बचाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। दोपहर हो गई थी और कछुआ एक कमरे के अंदर था और कुछ ढूंढने में लगा हुआ था। उसके हाव भाव देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई सी ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिसका मिलना उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। उस चीज को ढूंढने में कछुए ने कमरे का सारा सामान बिखेर दिया था, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। कछुआ कुछ ढूंढते हुए खुद से कहता है, कहाँ रखा था मैंने उसे, उस दिन लाकर कहाँ रखा था, यहीं पर तो रखा था उसे मैंने, फिर दिख क्यों नहीं रही। यही सब बड़बड़ाते हुए कछुआ कुछ ढूंढने में लगा हुआ था। कछुआ फिर खुद से कहता है, मेरी याददाश्त भी ना सच में बहुत कमजोर होते जा रही है। दादी सही कहती थी, चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, ये उसी का नतीजा है कि वो मुझे मिल नहीं रही। दादी आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कछुआ एक जगह पर खड़ा हो जाता है और याद करते हुए खुद से कहता है, याद कर कछुआ, जब उस रात उसे तू अमोदिता से लेकर आया था तो कहाँ पर रखा था तूने। कछुआ याद कर ही रहा था कि तभी वो तुरंत नीचे झुकता है और बेड के नीचे देखने लग जाता है। कछुआ पेट के बल लेटता है और अपने दोनों हाथ बेड के अंदर घुसाकर कुछ निकालने लग जाता है। कछुआ बेड के अंदर से कुछ चीज खींचते हुए कहता है, आजा, आ गई। कछुए ने बेड के नीचे से कुछ और नहीं बल्कि अघोरी की किताब निकाली थी जिसे वो अमोदिता से लेकर आया था ताकि उसमें लिखे यक्षिणी को कैद करने के हथकंडे पढ़ सके, लेकिन यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था कि उसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला था। कछुआ उस किताब पर की धूल साफ करते हुए कहता है, इस अघोरी ने काली शक्तियों की हर एक छोटी से छोटी बात इस किताब में लिखी थी, तो हो सकता है अभिमन्यु के घाव के बारे में भी पता चल जाए। आखिर वो घाव भी तो काली शक्तियों का यूज करने के कारण ही बना है, मुझे इसे पढ़ना होगा अभी। इतना कहकर कछुआ किताब का पेज पलटाने ही वाला था कि तभी डायना की आवाज सुनाई देती है, ये कैसी किताब है। जब कछुआ अपना सिर ऊपर करता है तो देखता है कि उसके सामने डायना खड़ी हुई थी। किताब ढूंढने में वो इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला था कि डायना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। अचानक से डायना को वहां पर देखकर कछुआ घबरा गया था। डायना फिर कछुए से पूछती है, ये कैसी किताब है कछुआ। कछुआ उस किताब को अपने दोनों हाथों से कवर करके छिपाते हुए कहता है, ये तुम्हारे मतलब की किताब नहीं है डायना। डायना समझ जाती है कि कछुआ उससे कुछ छुपा रहा था। उस किताब के लाल कवर और पुराने पन्नों को देखकर डायना इतना तो जरूर समझ गई थी कि वो किताब बहुत कीमती थी जिसके बारे में कछुआ उसे बताना नहीं चाहता था। डायना फिर कुछ कछुए से पूछती, उससे पहले ही कछुआ डायना से पूछ बैठता है, तुम यहाँ पर कैसे डायना। डायना कछुए की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, मदद, और वो भी मुझसे। डायना पलट कर कहती है, हाँ कछुआ, एक तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकते हो, वरना यहाँ पर तो अभिमन्यु की किसी को पड़ी ही नहीं है। कछुआ कहता है, बोलो डायना, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। डायना अपनी बात रखते हुए कछुए से कहती है, तुम सौदाए हो ना, फिर तुम्हें तो टोने टोटके करने आते होंगे, तो फिर तुम अभिमन्यु के घाव के लिए कोई टोना क्यों नहीं करते हो जिससे वो ठीक हो जाए। कछुआ डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, डायना हम सौदाए भी तभी किसी समस्या का टोना टोटका कर सकते हैं जब हमें पता हो कि वो समस्या क्या है, और यहाँ पर तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो घाव आखिर किस चीज का है, क्यों अभिमन्यु के शरीर में अपनी पनाह बना रहा है, कैसे बढ़ रहा है। डायना मायूसी के साथ ही कहती है, कछुआ मैं बहुत उम्मीद से आई थी तुम्हारे पास और तुम भी मुझे खाली हाथ भेज रहे हो, क्या तुम्हें अपनी दोस्त की चिंता नहीं है। कछुआ तुरंत डायना को वो किताब दिखाते हुए कहता है, चिंता है तभी तो ये किताब पढ़ रहा हूँ डायना, उस घाव के बारे में तो पता करने के लिए मैं ये अघोरी की। कछुआ इसके आगे कुछ बोलने वाला था कि वो खुद चुप हो जाता है। कछुआ मन में सोचने लग जाता है, नहीं
मैं डायना को अघोरी की इस किताब के बारे में नहीं बता सकता। मैंने अमोदिता से वादा किया था कि इस किताब का पता हम सौदाए सौदाइनों के अलावा किसी को नहीं चलेगा। कछुआ बात को बदलते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो डायना, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। अगर अभिमन्यु तुम्हारा दोस्त है तो उससे पहले मेरा दोस्त है, और हमारी दोस्ती कहीं ज्यादा गहरी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। डायना पलट कर कुछ नहीं कहती है, पर वो इतना तो समझ गई थी कि कछुए के हाथ में जो किताब थी उसमें कुछ न कुछ खास बात तो जरूर थी जो वो छुपा रहा था। डायना कछुए के साथ बुरा बर्ताव करके उसके सामने बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके जाते ही कछुआ अघोरी की किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। एक तरफ कछुआ इनडायरेक्टली अभिमन्यु की मदद करने में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ कायर युग की मदद करने में लगा था। कायर जानता था अगर उस काले साय का कोई अंत कर सकता था तो वो खुद यक्षिणी थी, इसलिए उसका उस काले साय की कैद से आजाद होना जरूरी था, जिसके लिए युग को अनुराग की लाश चाहिए थी। इस वक्त युग और कायर एक ही कमरे में बैठे हुए थे। कायर यही सोचने में लगा हुआ था कि अनुराग की लाश कहां पर हो सकती है, वो उसे कैसे ढूंढे। युग भी वहीं पर बैठा हुआ था, पर वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। डायना की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, वो फैसला ही नहीं कर पा रहा था क्या करे। इस वक्त यामिनी को बचाने में ध्यान दे या फिर अभिमन्यु को बचाने का सोचे। अभिमन्यु नींद से जाग तो गया था, पर युग अभी तक उससे मिलने नहीं गया था, क्योंकि युग अभी तक कोई फैसला ही नहीं ले पाया था कि क्या करे। पर काफी हद तक उसने ये सोच लिया था कि अपनी इस परेशानी से वो खुद निपट लेगा, इस बार अभिमन्यु की मदद नहीं लेगा, उसे कुछ नहीं बताएगा, उसे आराम करने देगा। कायर अपने दिमाग में वो सब बातें याद कर रहा था जो युग ने उसे बताई थी, वही सब बातें जो युग के और उस काले साय के बीच में हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जब वो काला साया उसे अनुराग की लाश लाकर देने के लिए कह रहा था। कायर युग की बताई बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है, और वो हड़बड़ाहट के साथ युग से कहता है, युग तूने बताया था कि वो काला साया कुछ बड़बड़ा रहा था वहां से जाते वक्त, क्या बड़बड़ा रहा था वो जरा बताना। युग बेमन से जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं बड़बड़ा रहा था। कायर युग पर दबाव बनाते हुए कह रहा था, बड़बड़ा रहा था युग, तूने बताया था सुबह, तू कह रहा था वो हंसते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था, बार बार बड़बड़ा रहा था वो, याद करना, जरा जोर दे अपने दिमाग पर, ये बहुत जरूरी है। युग अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है और रात की बात याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया, वो कुछ बड़बड़ा तो रहा था, क्या बड़बड़ा रहा था, वो कह रहा था हर क्षण मृत्यु जीवन मरण, हाँ याद आया, वो कह रहा था प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, इस प्रथम क्षण में जीवन मरण है। कायर युग की बात गौर से सुनते हुए कहता है, एक और बार बोलना क्या कहा तूने। युग फिर कहता है, प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। कायर तुरंत कॉपी पेन लेकर आता है और युग से कहता है, एक और बार बोलना युग। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या लगा रखा है कायर तूने। कायर दबाव के साथ कहता है, युग तू बोल तो। युग फिर से वही बात दोहराता है, और जैसे जैसे युग बोल रहा था वही बात कायर कॉपी में लिखे जा रहा था। जब युग की बात खत्म हो जाती है और कायर जब लिख लेता है तो कायर खुश होते हुए युग से कहता है, युग तुझे पता है ये क्या है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है ये। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है ये। कायर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यही तो सुराग है युग। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा सुराग, पर ये कैसा सुराग है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कायर पलट कर कहता है, जितना मुझे दिख रहा है मुझे ये एक पहेली की तरह लग रहा है युग, जिसे हमें सॉल्व करना है। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा पहेली। कायर तुरंत कहता है, हाँ युग मुझे तो ये पहेली की तरह ही लग रहा है, उस काले साय ने हमें सुराग के तौर पर एक पहेली दी है ताकि तू अनुराग अंकल की लाश खोज सके। युग फिर पूछता है, ये तू क्या बोल रहा है कायर, जरा सोच समझ कर तो बोल, भला वो काला साया हमें कोई सुराग क्यों देगा, अगर उसे कुछ बताना ही होता तो ऐसे ही नहीं बता देता क्या। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, युग हो सकता है वो तेरी कोई परीक्षा ले रहा हो, वो तेरे अंदर की काबिलियत को देखना चाहता हो कि तू क्या क्या कर सकता है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, पर वो ये सब क्यों करेगा, वो मेरी काबिलियत क्यों देखना चाहता है। कायर जवाब देता है, पता नहीं युग अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है,
ये तो वही जानता है, वरना तू ही सोच वो काला साया यही बात बार बार क्यों बड़बड़ा रहा था। क्योंकि इस बात में कुछ न कुछ राज तो जरूर छुपा हुआ था जो वो तुझे बताना चाहता था। कायर के सवालों ने युग को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। कायर फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, ये एक पहेली है युग, मेरा यकीन कर। युग पलट कर कहता है, अगर ये एक पहेली है तो फिर इसका जवाब क्या है? कायर कॉपी में देखते हुए कहता है, वही तो अब पता करना है युग, ये एक पहेली है जो इस वक्त उलझी हुई है, जिसे हमें सुलझाना है, समझा? इतना कहकर कायर कॉपी में उसने जो लिखा था वो धीरे धीरे पढ़ते हुए कहता है, प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। इन्हीं शब्दों में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। कायर के साथ ही युग भी उस पहेली को सॉल्व करने में लग जाता है। कायर की इस बात ने युग के अंदर उम्मीद की किरण जगा दी थी। उसे एक रास्ता दिखाई देने लग गया था जो अब तक नहीं दिखा था। पहले युग अभिमन्यु के बारे में भी सोच रहा था कि कैसे उसे ठीक करेगा, पर जब से कायर ने उस पहेली का जिक्र किया था उसके दिमाग से एक प्रकार से अभिमन्यु की फिक्र हटी गई थी। उसने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। वो सोच रहा था तो सिर्फ उस पहेली के बारे में जिसे सॉल्व करने पर उसे पता चल सकता था कि उसके पिता का शरीर कहां पर है और फिर वो यामिनी और अनुराग की रूह उस काले साए की कैद से आजाद करवा सकता था। युग के दिमाग में इस वक्त यामिनी और अनुराग ही घूम रहे थे। दोपहर से शाम हो गई थी पर युग और कायर दोनों ही उस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए थे। कुछ पता नहीं कर पाए थे कि वो काला साया उन्हें क्या इशारा कर रहा था, वो क्या इनडायरेक्टली कहना चाहता था। वो दोनों अभी भी वहीं पर थे जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। युग ने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि वो उस पहेली को सॉल्व कर पाएगा और अब कायर की बातें उसे बकवास लगने लग गई थी। बस एक कायर ही था जिसे उस पहेली में कोई ना कोई क्लू दिख रहा था जिसे वो खोजने में शिद्दत के साथ लगा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था युग की टेंशन बढ़ते जा रही थी और वो टेंशन उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। टेंशन में वो पसीने से भीगने लग गया था। युग को बार बार उस काले साए की बात याद आ रही थी कि उसने 3 दिन के अंदर अनुराग का शरीर ढूंढ कर लाने के लिए कहा था, वरना 3 दिन बाद क्या होता उसका अंजाम युग अच्छे से जानता था। युग को अपनी आंखों के सामने बार बार बॉटल के अंदर तड़पती यामिनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे उसके कानों में उसके पापा की पुकारने की गुहार सुनाई दे रही थी। युग का सिर दर्द से फटे जा रहा था। ढलते हुए सूरज के साथ उसे उम्मीद की सारी किरण भी डूबती हुई दिखाई दे रही थी। वो समझ गया था कि कमरे के अंदर बैठे रहने से कोई काम नहीं चलने वाला था। अगर ऐसे ही चलते रहा तो बचे हुए 2 दिन भी कैसे गुजर जाएंगे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो समझ गया था कि उसे अभिमन्यु से बात करनी ही होगी। वही था जो कोई ना कोई राह उसे दिखा सकता था, उसकी मदद कर सकता था। युग ने सोच लिया था चाहे अब जो भी हो जाए वो अभिमन्यु से इस बारे में बात करके ही रहेगा, तभी कुछ हो पाएगा। युग तुरंत अपनी जगह पर से उठता है और कमरे से बाहर जाने लग जाता है। कायर युग पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी भी पहेली सॉल्व करने में ही था। वो बार बार युग ने जो बात कही थी उसके शब्दों को फेर बदल कर लिखे जा रहा था। उसकी कॉपी में जो सबसे ज्यादा वर्ड बार बार लिखे गए थे वो जीवन और मरण थे। यही दोनों शब्द कायर के दिमाग में बार बार चल रहे थे। इस तरफ जब युग अभिमन्यु के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि अभिमन्यु को होश तो आ गया था पर वो बिस्तर पर लेटा ही हुआ था। उसे ग्लूकोज की बोतल अभी भी चढ़ी हुई थी जैसे उसी पर जिंदा हो। खाने का एक निवाला भी उसके मुंह में नहीं गया था। डायना उसके बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। डायना के चेहरे पर की मुस्कान देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अभिमन्यु को हंसाने की कोशिश कर रही थी, पर अभिमन्यु था कि उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, कहीं और ही खोया हुआ था, जैसे वहां पर होकर भी वहां पर ना हो। डायना ने अभिमन्यु को युग के बारे में कुछ नहीं बताया था कि उसके साथ रात में क्या हुआ था, वो कहां गया था। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये कि वो अभिमन्यु को अब इन सब मामलों से दूर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि युग की परेशानियां सुनकर अभिमन्यु जरा सा भी किसी बात का स्ट्रेस ले। दूसरा ये कि वो चाहती थी कि यामिनी ऐसे ही उस काले साए की कैद में रहे, क्योंकि उसे लगता था कि अभिमन्यु की इस हालत का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो यामिनी थी। युग धीरे धीरे अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाते जा रहा था क्योंकि उससे अभिमन्यु की हालत देखी नहीं जा रही थी। अभिमन्यु को देखकर युग को एहसास होता है कि डायना सच बोल रही थी। अभिमन्यु की हालत सच में बहुत खराब होती जा रही है। वो पहले से दुबला हो गया था, उसकी हालत गिरते जा रही थी। वो काला घाव उसके सीने पर पूरी तरह फैल चुका था, उसका सीना काला दिखने लग गया था।
युग को वहाँ पर देखते ही अभिमन्यु अपने सीने को चादर से कवर करने लग जाता है ताकि युग को वो घाव दिखाई न दे। अभिमन्यु को इस तरह घबराते देख डायना समझ जाती है कि कमरे के अंदर कोई आ गया था। जब डायना राइट साइड मुड़ती है तो देखती है कि युग कमरे के अंदर आ रहा था। युग को देखते ही डायना कुर्सी पर से खड़ी होती है और युग के पास जाने लग जाती है। युग को वहां पर देखकर डायना बहुत गुस्सा हो गई थी। वो युग से गुस्से में कुछ कहती उससे पहले युग बोल पड़ता है, देखो डायना, यहाँ पर मैं तुमसे नहीं अपने दोस्त से बात करने आया हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दूर ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। डायना भी उसी लहजे में तुरंत पलट कर कहती है, पर युग मैंने तुमसे कहा था ना तुम अभिमन्यु से बात नहीं कर सकते, उसकी तबीयत। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग गुस्से से डायना को घूरते हुए कहता है, डायना लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं यहाँ पर अपने दोस्त से बात करने आया हूँ तुमसे नहीं। एक पल के लिए तो डायना भी युग की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर गई थी, पर अगले ही पल उसे अभिमन्यु की फिक्र सताने लग जाती है और वो भी गुस्से के साथ ही कहती है, क्या कहा तुमने युग, तुम अपने दोस्त से बात करने आए हो, तुम दोस्त कहलाने के लायक भी हो, आज तक तुमने ऐसा क्या काम किया है कि तुम अभिमन्यु को अपना दोस्त बोल रहे हो। युग खामोशी रहता है। डायना अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हुए कहती है, और सच तो ये है कि यहाँ पर भी तुम अपने दोस्त से नहीं अपने प्यार को बचाने आए हो, तुम जानते हो कि अभी की मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मदद मांगने आए हो, उससे बात करने आए हो। युग अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, डायना मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर सिर्फ अभिमन्यु से बात करने आया हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मैं वक्त को ऐसे निकलने नहीं दे सकता हूँ। डायना भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, पर मैं तुम्हें अभी से कोई बात नहीं करने दूंगी, इस वक्त उसे आराम की जरूरत है, तुम उसकी हालत नहीं देख रहे। युग डायना से कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु डायना से गुस्से में बोल पड़ता है, डायना ये सब क्या है, तुम युग से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो, वो दोस्त है मेरा। डायना मासूमियत के साथ अभिमन्यु से कहती है, पर अभी मैं तो ये तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है अभी। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, डायना मेरे लिए इस वक्त क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला मैं खुद कर सकता हूँ, समझी तुम, डायना ये मेरी जिंदगी है तो मैं खुद फैसले ले सकता हूँ कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं, और मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे और युग को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। डायना वहीं पर खड़ी रहती है, एक टक नजर से अभिमन्यु को देखते रहती है। अभिमन्यु फिर डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना मैंने कहा यहाँ से चली जाओ, मुझे और युग को अकेला छोड़ दो कुछ देर, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों की है, समझी तुम। डायना नम आंखों के साथ कहती है, तो क्या अभी मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। अभिमन्यु गुस्से गुस्से में कहता है, नहीं हो और कभी बन भी नहीं सकती क्योंकि उनमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अभिमन्यु के लहजे में एक नाराजगी थी, जैसे उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि उसकी और युग की दोस्ती के बीच में कोई तीसरा दखल दे, खासकर कोई लड़की डायना। अभिमन्यु की बातों ने डायना को बुरी तरह हर्ट कर दिया, उसकी आंखें नम हो गई थी, पर फिर भी वो वहीं पर खड़ी हुई थी क्योंकि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा अभिमन्यु की जान की ज्यादा परवाह थी। वो नहीं चाहती थी कि युग अभिमन्यु से यामिनी के टॉपिक पर बात करे। अभिमन्यु बेड पर से उठते हुए फिर डायना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, डायना तुम यहाँ से जा रही हो या फिर मैं बाहर जाऊँ, निकालूं ये ग्लूकोज की बॉटल। डायना घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ मत करना, मैं जाती हूँ, तुम लेटे ही रहो, आराम करो। इतना कहकर डायना अभिमन्यु को चाहत भरी नजरों से देखती है और युग को गुस्से के साथ देखते हुए वहां से चली जाती है। डायना के जाते ही अभिमन्यु कहता है, सॉरी यार युग, डायना ने तुझे वो सब कहा, पता नहीं उसे क्या हो गया था, मुझसे तो अच्छे से ही बात कर रही थी, तुझे देखकर पता नहीं क्या हो गया। युग कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु ही हंसते हुए बोल पड़ता है, छोड़िए सब, और दिन भर से कहाँ था तू, तुझे अब मुझसे मिलने का वक्त मिल रहा है, मेरी थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हुई, तू तो मुझे भूल ही गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अब मेरे पास से बदबू आती है, मेरे सीने का घाव तुझसे देखा नहीं जाता। युग मायूसी के साथ कहता है, ऐसा कुछ नहीं अभिमन्यु, दोस्ती का रिश्ता खुशबू बदबू से नहीं होता, रूह से होता है, वो तो बस कुछ परेशान था इसलिए मिल नहीं पाया दिन भर से। अभिमन्यु सीरियस होते हुए कहता है, परेशान था पर किस लिए। युग अपनी भौवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या डायना ने तुझे कुछ नहीं बताया। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, नहीं डायना ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। युग खामोश रहता है। युग की खामोशी देखकर अभिमन्यु अगले ही पल समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ी बात थी जिसने युग को इस तरह परेशान करके रखा हुआ था। अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ युग बता मुझे।
अभिमन्यु के इतना कहते ही अगले ही पल युग अभिमन्यु को बीती रात से लेकर आज तक का एक एक किस्सा हूबहू सुना देता है, कुछ नहीं छोड़ता है। अभिमन्यु भी बाकी सब की तरह युग की बातें सुनकर हैरान होते जा रहा था। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि रात ही रात में इतना सब कुछ हो गया था। युग अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, अब तू बता अभिमन्यु मैं क्या करूं, कैसे पापा की लाश ढूंढ कर लाऊं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू ही अब कुछ रास्ता बता। अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। युग फिर अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोल अभिमन्यु ऐसे चुप मत बैठ, तू ही तो है जो मुझे हर मुसीबत से निकालता है और मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, इस मुसीबत से भी मुझे तू ही बाहर निकालेगा, बता मैं क्या करूं, कैसे पापा की लाश ढूंढूं। युग अभिमन्यु के जवाब का इंतजार करने लग जाता है पर अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है, वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तू ठीक तो है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए घबराते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाता है, नहीं युग नहीं ऐसा मत कर। युग मुंह बनाते हुए कहता है, तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं करूं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग मुंह बनाते हुए कहता है, तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं करूं। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अपने पिता मेरा मतलब है कि अनुराग अंकल की लाश मत ढूंढ। युग हैरानी के साथ कहता है, नहीं ढूंढूं पर क्यों, तू जानता है ना अगर मैंने 3 दिन के अंदर पापा की लाश नहीं ढूंढी तो वो काला साया सब खत्म कर देगा। अभिमन्यु पलट कर कहता है, खत्म करता है तो खत्म करने दे, तुझे क्या लगता है युग, अगर तूने तेरे पिता की लाश ढूंढ कर उस काले साये को सौंप दी तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं बल्कि हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है अभिमन्यु। अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि युग तू उस काले साये को वो चीज लाकर दे रहा है जिसकी उसे सख्त जरूरत है, उसे तेरे पापा का शरीर चाहिए और तू उसे वो लाकर दे रहा है। तूने एक बार भी सोचा है उस काले साये को तेरे ही पिता का शरीर क्यों चाहिए, वो चाहे तो किसी और का शरीर भी ले सकता था ना। युग खामोश रहता है, उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि उसके पास अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, युग मेरी बात मान, उस काले साये की बातों में मत आ, मुझे तो उस काले साये की इन सब चीजों के पीछे बहुत बड़ी साजिश लगती है। युग नम आंखों के साथ कहता है, तो तू क्या चाहता है अभिमन्यु, मैं अपने पापा को मुक्ति नहीं दिलाऊं, यामिनी को इसी तरह छोड़ दूं। अभिमन्यु युग को अच्छे से समझाते हुए कहता है, देख युग पहले तो तू अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा ले कि तेरे पापा मर चुके हैं, अब वो लौट कर वापस नहीं आने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि तू यामिनी की फिक्र करना छोड़ दे, आज वो जिस भी हालत में है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, तूने उसे रोकने की कोशिश करी थी पर क्या वो रुकी, नहीं ना, उल्टा तू खुद जानता है उसने हम सबके साथ क्या किया था, वही उसकी सजा है। युग तुरंत पलट कर कहता है, क्या कहा सजा है, कि तू बोल रहा है अभिमन्यु, तू वही अभिमन्यु है जो सबके बारे में सोचता है, लगता है डायना के साथ रहते रहते तेरा भी दिमाग खराब हो गया है जो उसकी तरह बातें कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है तेरे दिमाग में ये सब बातें उसी ने भरी है। अभिमन्यु कहता है, नहीं युग हमारी तो इस बारे में बात ही नहीं हुई है, मैं वही बोल रहा हूँ जैसा मुझे लगता है। युग कहता है, तो फिर मुझे लगता है तू भी डायना की तरह होते जा रहा है, सेल्फिश बन रहा है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, युग सेल्फिश मैं नहीं तू हो रहा है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता अगर उस काले साये को तेरे पिता का शरीर मिल गया तो क्या हो सकता है, जरा सोच जब वो अभी इतना पावरफुल है तो तब क्या होगा जब उसे वो चीज मिल जाएगी जो वो चाहता है। युग खामोशी रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, इसलिए युग मेरी बात मान, उस काले साये की बात मत मान, वो जो चाहता है वो मत कर। युग अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है नहीं मानता मैं उसकी बात, तो फिर तू बता मैं क्या करूं, तेरे पास कोई और दूसरा रास्ता है इसके अलावा। युग का सवाल सुनकर अभिमन्यु भी खामोश हो जाता है, उसके पास युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। युग कहता है, नहीं है ना तेरे पास कोई और दूसरा रास्ता, तुझे क्या लगता है अगर उस काले साये को मैंने अपने पापा का शरीर लाकर नहीं दिया तो वो उसे ढूंढ नहीं सकता। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, नहीं ढूंढ सकता युग, तभी तो उसने तुझसे बोला है, वो इतना शक्तिशाली है, क्या तुझे नहीं लगता उसके लिए तेरे पिता का शरीर ढूंढना चुटकियों का खेल है, अगर वो ढूंढ सकता तो अब तक ढूंढ चुका होता, इस तरह तुझे मोहरा नहीं बनाता।
युग अभिमन्यु से कहता है, देख अभिमन्यु, मैं यहाँ पर ना तुझसे ये पूछने नहीं आया हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे क्या करना है वो मैं सोच चुका हूँ, तू बस बता मेरी कोई मदद कर सकता है या नहीं। अभिमन्यु नाराजगी भरे लहजे में कहता है, अगर तुझे जब अपने ही मन की करनी है और तू सब सोच चुका है तो तू खुद ही सोच ले कि तुझे तेरे पिता की लाश कैसे ढूंढनी है। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता यामिनी की वजह से, समझा। युग गुस्से के साथ कहता है, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी अभिमन्यु, डायना ने तुझे सच में बदल दिया है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, अच्छा ही है बदल दिया, वरना लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपने सिवा कोई और दिखता ही नहीं है, वो दुनिया को तबाह करने निकल पड़ते हैं। युग पलट कर कहता है, मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था अभिमन्यु, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। तुझे क्या लगता है मैं तेरी मदद के बिना अपने पिता की लाश नहीं ढूंढ सकता, तो तू गलत है। वो मैं ढूंढ कर दिखाऊंगा अभिमन्यु, देख लेना तू। अभिमन्यु पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर भागते हुए कायर आ जाता है। कायर चिल्लाते हुए अंदर घुसता है, मिल गया मिल गया। कायर इतने चिल्लाते हुए आता है कि उसकी आवाज सुनकर कछुआ, डायना, अमोदिता और यहाँ तक कि बल्लू काका भी वहां पर आ जाते हैं। बल्लू काका कमरे के अंदर नहीं घुसते हैं, दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। जब कायर कमरे के अंदर पहुंचता है तो उन दोनों की सूरत देखकर ही समझ जाता है कि वहां के हालात काफी गर्म थे। कायर के मिल गया बड़बड़ाने की आवाज अपने आप ही धीमी हो जाती है। कायर युग और अभिमन्यु की सूरत देखते हुए कहता है, यहाँ पर सब ठीक तो है? अभिमन्यु हंसने का नाटक करते हुए कहता है, हाँ ठीक है कायर, पर लगता है तू ठीक नहीं है, तू क्यों बौखलाया जा रहा है, क्या मिल गया तुझे? कायर उतावले पन के साथ कहता है, जवाब अभिमन्यु, पहेली का जवाब। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, पहेली का जवाब, कैसी पहेली? कायर कहता है, वही पहेली जो उस काले साये ने दी थी, मैंने उसे सॉल्व कर लिया है। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या है उसका जवाब कायर, क्या पता चला तुझे, बता जल्दी। कायर अपने साथ वही कॉपी लेकर आया था जिसमें उसने वो पहेली लिखी थी। कायर वो कॉपी युग को दिखाते हुए कहता है, ये देख युग, और इन दो लाइनों को तू दोबारा पढ़ जरा। युग धीरे धीरे उस पहेली को पढ़ते हुए कहता है, प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। युग कायर को देखते हुए कहता है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी भी। कछुआ कहता है, मेरे भी। कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, देख मैं समझाता हूँ, प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, मतलब यह कि हमारी जिंदगी में पहला क्षण वो होता है जब हम पहली बार सांस लेते हैं, मतलब जब हमारा जन्म होता है, और अंतिम क्षण मतलब जब हम आखिरी बार सांस लेते हैं, जब हम मर जाते हैं। और आगे की लाइन ऐसी है कि इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है, मतलब ये कि हमारे जन्म लेने और मरने के बीच में ही हमारी पूरी जिंदगी होती है। और यहाँ उस काले साये ने कहा है कि मौत और जिंदगी एक ही है, जब हमें जिंदगी मिलती है तो वो एक प्रकार से मौत है, क्योंकि मरना तय है, और जब हमारी मौत होती है तो उसके बाद ही हमें एक नया जीवन मिलता है। मौत के बाद ही एक और कहानी शुरू होती है, आत्मा की कहानी। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कायर समझ गया था कि उसे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सिर्फ उसे ही नहीं, वहां पर मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। युग कायर को टोकते हुए बोलता है, कायर तू सीधे सीधे बोलेगा क्या कहना चाहता है? कायर कहता है, युग मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू मुझसे पूछ रहा था ना कि हम कहाँ से तेरे पिता की लाश को ढूंढना शुरू करें, तो वो जगह मिल गई है। हमें उन जगहों पर तेरे पिता की लाश खोजनी है जहाँ पर उनका जन्म मरण हुआ हो, मतलब जहाँ पर वो पैदा हुए हो और जहाँ पर उनकी मौत हुई हो। उस काले साये के कहने का मतलब यही था, जीवन मरण का मतलब यही था। सब खामोशी के साथ कायर की बातें गौर से सुन रहे थे, सबकी निगाहें इस वक्त उसी पर थी। कायर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देख सबको पता है कि तेरे पिता की मौत ग्रेवयार्ड कोठी में हुई थी, उस हिसाब से तेरे पापा की लाश वहीं पर होनी चाहिए, पर वो वहां पर नहीं है, क्योंकि अगर वो लाश वहां पर होती तो वो काला साया तुझे कभी अपने पिता की लाश खोजने को बोलता ही नहीं, वो खुद उस लाश को ग्रेवयार्ड कोठी में खोज लेता। कछुआ कायर को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, अगर अनुराग अंकल की लाश ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं है तो फिर कहां पर? कायर कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उस जगह पर जहां पर उनका जन्म हुआ है। कायर युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग अनुराग अंकल का जन्म कहां पर हुआ था, किस जगह पर? युग कुछ याद करते हुए कहता है, पापा का जन्म तो यहीं पर हुआ होगा, इसी हवेली में, गांव से ही तो नाता था पापा का। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, इस हवेली में कैसे हो सकता है, इस हवेली में तो पहले वो अघोरी रहता था ना,
और भूल गया, ये हवेली तेरे बड़े पापा को मिली थी, उन्होंने बाद में यहाँ पर रहना शुरू किया था। उससे पहले तो वो सब ग्रेवयार्ड कोठी में रहते थे ना। उस रात दिलीप अंकल ने तो बताया था कि वो ग्रेवयार्ड कोठी पर रहते थे अनुराग अंकल के साथ, पर उनकी पागलों भरी हरकतों के कारण उन्होंने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ दी थी और वो यहाँ पर आ गए थे रहने के लिए। जब कछुआ अनुराग को पागल बोलता है तो युग को गुस्सा तो आता है, पर वो सारी बातें इग्नोर कर देता है क्योंकि इस वक्त उसका ध्यान दूसरी बात पर था। युग कायर को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, हाँ मेरे पूर्वज ग्रेवयार्ड कोठी में रहते थे, मतलब ये हुआ कि पापा का जन्म भी ग्रेवयार्ड कोठी में ही हुआ था। कायर कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, मतलब अंकल का जन्म और मौत एक ही जगह पर हुई है और वो है ग्रेवयार्ड कोठी, इस हिसाब से तो उनकी लाश वहीं पर होनी चाहिए थी। युग कहता है, पर अभी तो तूने कहा अगर ग्रेवयार्ड कोठी में मेरे पापा की लाश होती तो वो काला साया मुझे मेरे पापा की लाश ढूंढने के लिए बोलता ही नहीं, फिर मेरे पापा की लाश कहाँ पर है? कायर परेशान होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? अनुराग अंकल की लाश वहीं पर होनी चाहिए जहाँ पर उनका जन्म और मौत हुई हो, क्योंकि उस काले साये के कहने का मतलब यही था, वो हमें यही बताना चाहता था कि उस जगह पर ढूंढो जहाँ पर उनका जन्म हुआ हो। कछुआ कहता है, हो सकता है तू उसके कहने का मतलब अच्छे से नहीं समझ पाया हो, वो कुछ और कहना चाहता हो और तू कुछ और समझ गया हो। कायर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं कछुआ, वो काला साया यही कहना चाहता था। मैं शब्दों के खेल को अच्छे से समझाऊं, अनुराग अंकल की लाश वहीं पर होनी चाहिए ग्रेवयार्ड कोठी में, क्योंकि वहीं पर उनकी मौत और जन्म हुआ है। बल्लू बूढ़े की तरह बड़बड़ाते हुए कहता है, लेखक बाबू का जन्म वहां पर नहीं हुआ। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है सब बल्लू की तरफ देखने लग जाते हैं। बल्लू को दरवाजे पर खड़ा देखकर कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि बल्लू ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। युग तुरंत बल्लू के पास जाता है और हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा आपने बल्लू काका? पापा का जन्म ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ था? अगर पापा का जन्म ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ तो फिर कहाँ पर हुआ? बल्लू खुद से बात करते हुए कहता है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, न तुम लोगों की बात सुननी चाहिए थी, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इतना कहकर बल्लू वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे ही बढ़ाने वाला था कि तभी युग बल्लू काका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप ऐसे नहीं जा सकते बल्लू काका, आज आपको सच बताना ही होगा। मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप और बड़े पापा मुझसे छुपा रहे हैं, और आज आपको मुझे सब सच बताना ही होगा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। बल्लू डरते हुए कहता है, मुझे जाने दीजिए छोटे मालिक, अगर बड़े मालिक को पता चल गया कि मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मेरा हाल क्या करेंगे मैं आपको बता भी नहीं सकता, मुझे जाने दीजिए छोटे मालिक। युग अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम आंखों के साथ बल्लू से कहता है, प्लीज बल्लू काका मेरी मदद कीजिए, अब एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि पापा की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिले, वो इसी तरह तड़पते रहे? आपने भी तो पापा को बचपन से देखा है ना, क्या आप उन्हें नहीं चाहते, उनसे प्यार नहीं करते? आप उन्हें ऐसे तड़पते कैसे छोड़ सकते हैं? युग की नम आंखें देखकर बल्लू की आंखें भी नम हो गई थी। युग फिर हमदर्दी के साथ कहता है, प्लीज बल्लू काका मेरी मदद कीजिए, बताइए पापा का जन्म अगर ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? मेरा ये जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं अपने पापा की लाश ढूंढ पाऊंगा, मेरी मदद कीजिए बल्लू काका। युग की नम आंखों को देखकर बल्लू अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसके अंदर से दिलीप का डर निकल जाता है और युग के लिए हमदर्दी जाग जाती है। बल्लू युग की नम आंखों में देखते हुए कहता है, सच ये है छोटे मालिक, लेखक बाबू का जन्म ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ था, बल्कि वो तुम्हारे दादाजी को किश्नोई नदी में मिले थे। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। युग हैरानी के साथ कहता है, किश्नोई नदी में मिले थे से आपका क्या मतलब है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग हैरानी के साथ कहता है, किश्नोई नदी में मिले थे से आपका क्या मतलब है? बल्लू एक गहरी सांस भरकर हिचकिचाते हुए कहता है, छोटे मालिक बात यह है कि लेखक बाबू और बड़े मालिक के बीच। इतना बोलकर बल्लू चुप हो जाता है, जैसे कोई सी ऐसी बात थी जो वो युग को बताना तो चाहता था पर ये सोचकर घबरा रहा था कि जब युग को वो बात पता चलेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा, वो उसका अंजाम सोचने भर से ही डर रहा था। युग बल्लू पर दबाव बनाते हुए नम आंखों के साथ कहता है, आप चुप क्यों हो गए बल्लू काका, बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए, बताइए सच क्या है, ऐसा कौन सा राज है जो अब तक मुझसे छुपा कर रखा गया है,
बोलिए बल्लू काका, ऐसी भी भला क्या बात है जो आपको मुझे बताने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है? जरूर कोई बड़ी बात है, बताइए बल्लू काका, बोलिए। कछुआ भी बल्लू काका पर दबाव बनाते हुए कहता है, हाँ बल्लू काका बोलिए, डरिए मत, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगर चल भी गया तो मैं हूँ ना। वैसे भी वो काला साया मौत बनकर पहले ही सबके पीछे घूम रहा है, वो मौत हम तक पहुँचे उससे बेहतर होगा कि सारे राज पहले ही खुल जाएं, ताकि उस मौत को हमारे पास पहुँचने से पहले रोका जा सके, कायर भी बोल पड़ता है। हाँ बल्लू काका बोलिए, आज आपको आपकी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी, बरसों से जो राज आप छुपा के रखे हैं उसे खोलना ही पड़ेगा। बोलिए बल्लू काका, क्या संबंध है अनुराग अंकल और दिलीप अंकल के बीच? बल्लू डरते हुए कहता है, सच तो ये है कायर बेटा, बड़े मालिक और लेखक बापू के बीच में कोई संबंध है ही नहीं। युग घबराते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं बल्लू काका, ऐसा कैसे हो सकता है? बल्लू नम आंखों के साथ कहता है, यही सच है युग बेटा, बड़े मालिक और लेखक बाबू के बीच में खून का रिश्ता नहीं है, वो दोनों सगे भाई नहीं है। कछुआ बल्लू काका को एक टक नजर से देखते हुए कहता है, मतलब वो सौतेले भाई हैं? बल्लू ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कछुआ बेटा, वो दोनों सौतेले भाई भी नहीं है, सच तो ये है कि उन दोनों के बीच दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं। बल्लू युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग बेटा तुम्हारे दादा जब एक सुबह किश्नोई नदी के पास से जा रहे थे तो उन्हें किश्नोई नदी में एक टोकरी में बहता हुआ बच्चा मिला, और वो बच्चा कोई और नहीं लेखक बाबू थे, तुम्हारे दादा ने उन्हें अपनी पहचान दी। युग नम आंखों के साथ कहता है, मतलब ये कि मेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं है, फिर मेरे पापा के असली माँ बाप कौन है? बल्लू काका उदासी के साथ कहते हैं, वो तो मुझे नहीं पता बेटा, पर जब तुम्हारे दादाजी ने लेखक बाबू के बारे में पता करने की कोशिश करी थी तब उन्हें पता चला था कि पास का ही एक गाँव है पंचिम, वहीं से बहते हुए आए थे तुम्हारे पापा। बल्लू काका ने इतना ही कहा था कि तभी कछुआ हड़बड़ाहट के साथ डरते हुए कहता है, कहीं आप उसी पंचिम गांव की बात तो नहीं कर रहे हैं जो सालों पहले जल गया था, एक ही रात में पूरा का पूरा गांव जलकर खाक हो गया था? बल्लू हामी भरते हुए कहता है, हाँ बेटा मैं उसी गांव की बात कर रहा हूँ, उसी रात की अगली सुबह ही तो अनुराग बाबू युग के दादाजी को मिले थे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, उस पंचिम गांव में ऐसा क्या हुआ था कि वो रात ही रात में जल गया था, वो भी पूरा का पूरा गाँव? बल्लू कुछ जवाब देता उससे पहले ही युग बीच में बोल पड़ता है, फिर मेरे पिता के असली माँ बाप कौन है बल्लू काका, आपको कुछ तो पता होगा, बताइए प्लीज। बल्लू बीती यादों को याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे दादा ने बहुत कोशिश करी थी तुम्हारे माता पिता के बारे में पता करने की, बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें ये पता चल पाया था कि उस गांव में एक घर है, वहीं पर तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वो घर किसका था, बल्लू काका कौन रहते थे वहां पर? बल्लू मायूसी के साथ जवाब देता है, वो घर किसका था, वहां पर कौन रहता था, ये मुझे नहीं पता युग बेटा, मुझे बस इतना पता है कि उस घर के आंगन में सामने दो बबूल के पेड़ हैं, और वो पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे एक दूसरे को सहारा दे रहे हो, एक दूसरे से बंधे हुए हो। उसी घर में युग बेटा तुम्हारे पापा का जन्म हुआ था। युग कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बल्लू काका को टोकते हुए कहता है, पर बल्लू काका आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि उसी घर में अनुराग अंकल का जन्म हुआ था, जब आपको यही नहीं पता कि उनके माँ बाप का क्या नाम है? बल्लू अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि अभिमन्यु बेटा युग के दादा ने जब बहुत छानबीन करी थी तो उन्हें सुनने में ये भी आया था कि उसी घर में कुछ दिनों पहले एक लड़के का जन्म हुआ था। अभिमन्यु फिर बल्लू काका की बात से डिसएग्री होते हुए कहता है, बल्लू काका पर फिर भी ये भी तो हो सकता है ना, उस महीने में गांव में और भी घरों में बच्चों का जन्म हुआ हो, गांव में बच्चे पैदा होना मामूली बात है, हर एक दो महीने में किसी न किसी के घर में बच्चे का जन्म होता ही है। बल्लू काका अपनी बात पर अडिग रहते हुए अभिमन्यु को घूरते हुए कहते हैं, नहीं अभिमन्यु बेटा, ये बात पंचिम गांव के लिए मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस गांव में महिलाएं पेट से तो रहती थी पर किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती थी, उनके बच्चे उनके पेट में ही मर जाते थे, पता नहीं कैसी बला थी उस गांव में, एक वही बबूल के दो पेड़ वाला घर था जहां पर सालों बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ था, और वो भी लड़के का। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है कमरे के अंदर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। बल्लू काका के जवाब ने अभिमन्यु को खामोश कर दिया था, वो भी पलट कर कुछ नहीं पूछ पा रहा था। बल्लू काका की बात ने सबको बहुत हैरान कर दिया था। बल्लू अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, सालों बाद जब पंचिम गांव में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो दो बबूल के पेड़ वाला घर और वो बच्चा यानी तुम्हारे पिता सबकी नजरों में आ गए थे, तभी तो तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे पापा के माता पिता के बारे में इतना सब कुछ पता चल पाया था।
युग बेटा, वरना इतना आसान नहीं था सब कुछ पता करना उस वक्त। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो अनुराग अंकल और दिलीप अंकल सगे भाई नहीं है। कहीं यही वजह तो नहीं है दिलीप अंकल अनुराग अंकल से इतनी नफरत करते हैं, उनके नाम से ही, यहाँ तक कि वो युग से भी नफरत करते हैं। बल्लू कुछ डरते हुए कहता है, सिर्फ एक यही कारण नहीं है कछुआ बड़े मालिक का अनुराग बाबू से नफरत करने का, और भी कई कारण है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, और क्या कारण है बल्लू काका, क्यों बड़े पापा मेरे पापा से इतनी नफरत करते थे? बल्लू कुछ कहता उससे पहले ही दिलीप की भारी आवाज सुनाई देती है, और बाकी कारण ये है कि तेरा बाप पागल था और तू भी पागल है, समझा? अचानक से दिलीप की आवाज सुनकर सब हड़बड़ा जाते हैं। बल्लू को तो सांप सूंघ जाता है। सब बातों में इतने मदहोश हो गए थे कि किसी को पता ही नहीं चला था कि दिलीप वहां पर कब आ गया था और उसने उनकी क्या क्या बातें सुन ली थी। बल्लू डरते हुए हकलाहट के साथ कहता है, मालिक माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। दिलीप आग बबूला होते हुए बल्लू को घूरते हुए कहता है, इसे तू गलती कहता है? तेरी इस गलती की तो तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, चल नीचे तू नमक हराम कहीं के साले। युग दिलीप को घूरते हुए कहता है, आप बल्लू काका से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं बड़े पापा। दिलीप पलट कर कहता है, वो नौकर है मेरा और मैं उसका मालिक, मैं उससे जैसे चाहूँ बात कर सकता हूँ, समझा तू? वो तो फिर भी मेरा नौकर है, पर तू तो मेरा कुछ नहीं लगता। अब तो तुझे सब सच पता चल ही गया है, तो मुझे अपना बड़ा पापा बोलना बंद कर, समझा? युग दिलीप के ही लहजे में जवाब देता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको बड़े पापा कहने का दिलीप अंकल, बस इतना बता दीजिए कि आप मेरे पापा से इतनी नफरत क्यों करते थे? दिलीप गुस्से के साथ ही पलट कर जवाब देता है, करता था नहीं, करता हूँ और मरते दम तक करते रहूंगा। जानना चाहता है क्यों? कोई एक वजह हो तो बताऊं उससे नफरत करने की? कई वजह है। पहले तो ये है कि सौतेला है, दूसरी ये है कि सौतेला होने के बावजूद बाबूजी ने उसे मुझसे ज्यादा प्यार दिया, हर खुशी दी उसे, उसे पढ़ाने शहर भेजा और मुझे गांव में ही रखा। और सबसे बड़ी वजह जानता है क्या है? यक्षिणी के पागलपन। कहता था वो यक्षिणी से प्यार करता है, वो पागल हो गया था, उसकी कहानी लिखते लिखते प्यार कर बैठा था उससे, और तू भी पागल हो रहा है यक्षिणी के कारण। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो, दोनों यक्षिणी से प्यार कर बैठे एक डायन से, और अब उस प्यार में खुद तो पागल हो ही रहे हो, साथ में पूरे गांव को भी बर्बाद कर रहे हो। युग खामोशी रहता है। दिलीप के अंदर अपने लिए और अपने पापा के लिए इतना गुस्सा देखकर वो भी हैरान हो गया था। दिलीप बल्लू को घूरते हुए कहता है, अब तू चल नीचे, बड़ा मालिक मालिक करता है, जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है बड़ी जुबान खुल रही है, जुबान पर कैसे लगाम लगाई जाती है अच्छे से आता है मुझे, चल नीचे। युग गुस्से के साथ कहता है, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं दिलीप अंकल, मैंने कहा ना आप बल्लू काका से इस तरह से बात नहीं कर सकते, ना ही उन्हें यहाँ से कहीं लेकर जा सकते हैं। अभी मुझे उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, वो सारे राज जानने हैं जो आज तक मुझसे छुपा कर रखे गए हैं, मेरा वो जानना बहुत जरूरी है। दिलीप युग पर रौब जमाते हुए कहता है, जितना तू जान गया है उतना ही काफी है तेरे लिए, समझा? अगर सब कुछ जान गया तो तू जिंदा नहीं बचने वाला युग, मार देंगे तेरे ही दोस्त तुझे, तू तो मरेगा ही, साथ में तुझे वो राज बताने वाला भी मर जाएगा, और सबसे पहले मरेगा ये बल्लू। युग कुछ कहने वाला था कि तभी बल्लू अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए युग से कहता है, रहने दीजिए छोटे मालिक, बहुत हुआ, मैं आप दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता, मुझे मालिक के साथ जाने दीजिए, सारी गलती मेरी ही है, मुझे अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था। कछुआ भी बोल पड़ता है, हाँ युग जाने दे, वैसे भी ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि उस काले साए से लड़ने का है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कछुए और बल्लू काका के कहने पर युग कुछ नहीं कहता है, अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबा लेता है। दिलीप और बल्लू उस कमरे से चले जाते हैं। उनके जाते ही कुछ देर तो कमरे में खामोशी छाई रहती है, पर अगले ही पल कायर कुछ सोचते हुए कहता है, युग तेरे पापा का जन्म पंचिम गांव में हुआ था, इसका मतलब तेरे पापा की लाश उसी घर में है, हम वही जगह तो ढूंढ रहे थे ना जहाँ पर तेरे पापा का जन्म हुआ, और देख बल्लू काका की मदद से हमें वो जगह मिल भी गई, अगर बल्लू काका नहीं होते तो हम कभी उस जगह का पता ही नहीं लगा पाते। कछुआ भी हामी भरते हुए कहता है, कायर सही कह रहा है युग, सब बल्लू काका की मेहरबानी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरे बड़े पापा कभी हमारी मदद करते, मुझे तो लगता है जैसे अभी भी कई सारे राज उन्होंने हमसे छुपा कर ही रखे हैं, ऐसी कोई बात है जो तेरे बड़े पापा जानते हैं पर उन्होंने हमें नहीं बताई है। युग गुस्से के साथ कहता है, वो मेरे बड़े पापा नहीं है कछुए, तूने सुना नहीं बल्लू काका ने क्या कहा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। कायर बात को बदलते हुए कहता है, युग तू छोड़ ना ये सब, अभी रिश्ते नाते बनाने का वक्त नहीं है बल्कि तेरे पापा का शरीर ढूंढने का वक्त है, जिसके लिए हमें जल्द से जल्द पंचिम गांव जाना चाहिए। युग तुरंत पूछता है,
कहाँ पर है वो गांव? कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, पंचिम गांव ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है। किश्नोई नदी से ही लगकर है पंचिम गांव। मैंने वो गांव देखा तो है, पर उस गांव के अंदर कभी गया नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्यों नहीं गया तो उस गांव कभी कछुए? कछुआ जवाब देता है, दादी के कारण। दादी कहती थी वो गांव बहुत बेकार है, कई काली शक्तियां हैं उस गांव में, बड़ा ही भयानक गांव है। गांव नहीं, मान लो डर की कोई नगरी हो, वो गांव जहां पर कदम कदम पर मौत आपका इंतजार करती है। कायर डरते हुए कहता है, तू जानबूझकर डरा रहा है ना हमें कछुए? कछुआ तुरंत सीरियस होते हुए कहता है, डरा नहीं रहा हूँ कायर, जो सच है वही बता रहा हूँ। तभी तो दादी ने मुझे कभी उस गांव में नहीं जाने दिया था, और ना वो खुद गई थी। कहती थी उस गांव में कदम रखना भी एक नई बला को न्योता ही देना है, क्योंकि उस गांव में कई औरतों की कोख उजड़ी है, खासकर उन औरतों की जो पेट से थी, जिनका बच्चा कुछ ही दिन में इस दुनिया में आने वाला था, पर दुनिया में आने से पहले ही उन्होंने अपनी माँ के पेट में दम तोड़ दिया। कहते हैं इसलिए आज भी उस गांव में बच्चों और उनकी माओं के रोने की आवाज सुनाई देती है। कछुए की बात सुनकर युग और कायर दोनों खामोश हो जाते हैं। कायर तो इतना डर गया था कि डर के कारण उसके पैर कपकपाने लग गए थे। युग यामिनी और अपने पापा को याद करते हुए हिम्मत दिखाते हुए कहता है, पर मैं उस गांव में जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उस गांव में जाना है क्योंकि वही गांव है जहां पर मेरे पापा की लाश है, और मुझे किसी भी हालत में मेरे पापा की लाश चाहिए, किसी भी हालत में। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग यामिनी और अपने पापा को याद करते हुए हिम्मत दिखाते हुए कहता है, पर मैं उस गांव में जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उस गांव में जाना है क्योंकि वही गांव है जहां पर मेरे पापा की लाश है, और मुझे किसी भी हालत में मेरे पापा की लाश चाहिए, किसी भी हालत में। कछुआ हिचकिचाहट के साथ कहता है, युग हम उस गांव में पहुंच तो जाएंगे, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चले जाऊंगा, पर उस गांव में हम वो घर कैसे ढूंढेंगे जहां तेरे पापा का जन्म हुआ था? उस गांव में तो कई सारे घर होंगे युग। कायर झट से बीच में बोल पड़ता है, कछुआ तूने ठीक से सुना नहीं था क्या? बल्लू काका ने क्या कहा था? उस गांव में भले ही बहुत सारे घर हों, पर वहां पर एक घर स्पेशल था, और वो था युग के पापा का घर, क्योंकि वही घर था जहां पर सालों बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ था। और उस घर की एक और खास बात थी, और वो ये कि उस घर के आंगन में बड़े बड़े दो बबूल के पेड़ हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार मैं तो ये बात भूल ही गया था, इसका मतलब हमें पंचिम गांव में वो घर ढूंढना है जिसके आंगन में दो बबूल के पेड़ हों, और वही वो जगह होगी जहां पर अनुराग अंकल की लाश होगी। कायर भी सहमत होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा कछुए तूने। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तो फिर देर किस बात की, हमें अभी निकल जाना चाहिए। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा अभी? अब तो रात हो गई है यार, हम कल सुबह निकलते हैं ना। तूने सुना नहीं था क्या कछुए ने क्या कहा? उस गांव में औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे नहीं लगता उस गांव में रात में जाना ठीक होगा, हम सुबह निकलते हैं ना। युग मना करते हुए कहता है, नहीं हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं कायर, मैंने कहा ना वक्त बहुत कम है, मुझे 3 दिन के अंदर कैसे भी करके उस काले साए को अपने पापा की लाश सौंपनी है, और आज का दिन तो वैसे भी निकल ही गया है, अब बस 2 ही दिन बचे हैं मेरे पास। कछुआ युग को बीच में टोकते हुए कहता है, युग तुझे पता है 2 दिन बाद क्या है? युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है 2 दिन बाद? कछुआ जवाब देता है, 2 दिन बाद रेड मून आने वाला है, उस काले साई ने रेड मून से पहले तेरे पापा की लाश क्यों मंगाई है? युग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कछुए, मुझे बस इतना पता है अब 2 दिन से पहले मुझे अपने पापा की लाश ढूंढनी है, साथ में उस काले साई को भी देनी है, इसलिए मैं देर नहीं कर सकता, हमें अभी इसी वक्त ही निकलना चाहिए। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, ठीक है फिर आज ही निकलते हैं अभी इसी वक्त। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बौखलाहट के साथ कहता है, तुम तीनों पागल हो रहे हो क्या? क्यों मौत के मुंह में कदम रखने जा रहे हो? जानते हो वहाँ पर खतरा है, फिर भी वहाँ पर जाने की बात कर रहे हो? युग गुस्से के साथ कहता है, हाँ अभिमन्यु क्योंकि वहाँ पर जाना जरूरी है, समझा? अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है युग, ऐसा बस तुझे लगता है, और मान ले तुम लोग वहाँ पर चले भी गए और यदि वहाँ पर तेरे पिता की लाश नहीं मिली तो? युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, कायर ने उस काले साए की पहेली सुलझाई है, उसके हिसाब से पापा की लाश वहीं पर है, और तू देखना पापा की लाश वहीं पर होगी। अभिमन्यु झट से पलट कर कहता है,
तू किस पहेली की बात कर रहा है युग? वो जो उस काले साये ने दी थी। जरा दिमाग से तो काम ले, भला वो काला साया तुम्हें कोई पहेली क्यों देगा? तुम लोग उसकी बातों का बस एक अलग ही मतलब निकाल रहे हो। अगर उसे पता होता कि तेरे पापा की लाश कहाँ पर है तो वो खुद वहाँ पर नहीं चले जाता क्या? युग जवाब देता है, हो सकता है वो वहाँ पर नहीं जा सकता हो, इसलिए उसने हमें बोला हो। कोई चीज उसे वहाँ पर जाने से रोक रही हो। अभिमन्यु युग को फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, युग ऐसा कुछ नहीं है, वो काला साया है, उसके पास कई शक्तियाँ हैं, वो कहीं भी आ जा सकता है अपनी काली शक्तियों की मदद से। और मैं कह रहा हूँ ना, तेरे पापा की लाश वहाँ पर नहीं होगी, मेरी बात मान ले। युग अभिमन्यु की बात पकड़ते हुए कहता है, कैसे मान लो अभिमन्यु तेरी बात? तूने तो ये भी कहा था ना कि यामिनी नाम की कोई लड़की है ही नहीं, वो सब तेरा वहम है, पर वो थी ना। और इतना ही नहीं, तूने तो ये भी कहा था कि वो झरना भी नहीं है, पर तूने देखा ना, वहाँ पर झरना भी मिला था और यामिनी का शरीर भी। और अब देखना, जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहीं पर मेरे पापा की लाश भी मिलेगी, क्योंकि तू मना कर रहा है। तूने जब जब मुझे जिस चीज के लिए मना किया वो चीज मुझे वहीं पर मिली है। तू बस हमेशा मुझे रोकते रहा है अभिमन्यु। कभी कभी तो मुझे लगता है तू मेरा दोस्त नहीं बल्कि कोई दुश्मन है जो खुद मेरे रास्ते बंद कर देता है। युग की ये बात सीधे अभिमन्यु के दिल पर लगी थी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि युग उसे ऐसा कुछ कहेगा। अभिमन्यु नर्म लहजे में कहता है, क्या कहा तूने युग मुझे? अपना दुश्मन? तो अब मैं तुझे एक दोस्त से दुश्मन दिखने लग गया हूँ? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, दुश्मन। अभिमन्यु खामोश हो जाता है। ऐसा लगने लग गया था जैसे उसका घाव वापस से दुखने लग गया था। डायना बीच में बोल पड़ती है, युग तुम अभिमन्यु को गलत समझ रहे हो। उसने तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद किए इसलिए ताकि तुम सुरक्षित रहो, और आज भी वो वही कर रहा है। उसने हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करी है। तुमने एक बार भी सोचा है वो यामिनी जो तुम्हें प्यार करने का नाटक करती थी, वो तुम्हारे पास अपने अभिशाप से मुक्ति पाने आई थी? और वो झरना जिसे तुमने ढूंढा था, वहाँ पर भी तुम मरने ही वाले थे। और ये जगह पंचिम जहाँ पर तुम जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पर भी कोई ना कोई खतरा जरूर होगा। हो सकता है इसलिए अभिमन्यु तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना कर रहा है, युग गुस्से के साथ कहता है। डायना, तुम तो अभिमन्यु की तरफदारी करोगी ना, आखिर उससे प्यार जो करती हो। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, युग बस बहुत हुआ, चुप कर, बहुत बोल लिया तूने। युग पलट कर कहता है, लगता है अभिमन्यु अब तेरे दिल में भी डायना के लिए प्यार जाग ही गया है, तभी उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहा है। अभिमन्यु, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया, पर मेरे प्यार का क्या? मैं उससे जुदा हूँ ना। अभिमन्यु खांसने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो रही हो। वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है। डायना घबराते हुए कहती है, अभी तुम ठीक हो ना? बैठ जाओ, ज्यादा गुस्सा मत करो। ये नहीं मानता तो मरने दो इसे, जाने दो, इसके लिए तुम अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ रहे हो? अभिमन्यु डायना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, डायना तुम अपना मुंह बंद रखो। अभिमन्यु के दिल में अभी भी युग के लिए प्यार था। अभिमन्यु खांसते हुए ही युग को फिर अच्छे से समझाते हुए कहता है, युग तू समझ नहीं रहा है, तू बहुत गलत कर रहा है। तू उस काले साये को वो चीज लाकर देने की बात कर रहा है जिसकी उसको जरूरत है। जब पिंजरे में कैद भूखे शेर को जिंदा रखने के लिए मांस के टुकड़े लाकर दिए जाते हैं तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि उस मांस को खाकर वो खुद को ताकतवर बनाता है और खुद को तैयार करता है कि वो पिंजरा तोड़ सके ताकि बाहर जाकर शिकार कर सके। तू समझ रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अभिमन्यु की बातें अब सिर्फ युग के नहीं बल्कि कायर और कछुए की भी समझ में आने लग गई थी। एक पल के लिए वो दोनों भी सोचने लग गए थे कि क्या करें, युग के साथ जाएं या नहीं। कहीं युग के साथ जाने से उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं था, या फिर युग अपने पिता की लाश उस काले साये को सौंप कर कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत को तो न्योता नहीं देने वाला। युग अभिमन्यु की बातों को समझते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर पंचिम गांव नहीं जाऊं तो कहां जाऊं अभिमन्यु, तू ही बता, क्या तेरे पास और कोई रास्ता है? अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ खांसते हुए कहता है, हाँ है ना, रास्ते में उस काले साये का अंत कर दूंगा। युग मेरे पास एक आस्त्र है, मैं तेरे पापा की रूह को भी आजाद करवा दूंगा और यामिनी को भी, बस मुझे वक्त दे थोड़ा सा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। युग तुरंत पलट कर कहता है, तू किस एकास्त्र की बात कर रहा है अभिमन्यु? उस एकास्त्र की जो तुझे खुद मार रहा है। तू जानता है ना, अगर तूने अब एक बार भी उस एकास्त्र का यूज किया तो तू खुद नहीं बचने वाला। और चल, एक बार के लिए मान भी ली मैंने तेरी बात, पर तू कब ठीक होगा अभिमन्यु? तुझे देखकर लगता नहीं कि तू जल्दी ठीक होने वाला है, तू कमजोर हो रहा है अभिमन्यु। जैसे ही युग ये बात बोलता है अभिमन्यु और खांसने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की बात सुनकर अभिमन्यु और कमजोर होने लग गया था। जिंदगी में हम कमजोर होते नहीं है, पर जब कोई अपना हमें कमजोर बोल देता है तो हम अंदर से टूटने लग जाते हैं।
और उस टूटने के साथ ही कमजोर होने लग जाते हैं, जो यहाँ पर अभिमन्यु हो रहा था। उसके सीने में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लग गया था। योग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मैं तेरे ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता अभिमन्यु, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, मैं जा रहा हूँ। युग कायर और कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, चलें फिर हम। कायर और कछुआ कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस एकटक नजर से युग को देखते रहते हैं, कुछ कहते नहीं है। युग उन दोनों को घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, चलना नहीं है क्या? कछुआ हिचकिचाते हुए युग से कहता है, वो युग बात कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है अभिमन्यु ठीक बोल रहा है, हमें वो नहीं करना चाहिए जो वो काला साया चाहता है, अगर वो हमने कर दिया तो ऐसे में वो और ताकतवर हो जाएगा, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। युग कछुए को समझाते हुए ही कहता है, कछुआ अब कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है और वो है मेरे पापा की लाश। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कायर भी कछुए की हिम्मत देखकर हिचकिचाते हुए बोल पड़ता है, युग देख, बात यह है कि मुझे भी यही लगता है, हमें अभिमन्यु के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए, उसी ने हमें हर बार हर मुसीबत से बचाया है, उसके बिना हम कुछ नहीं है, उसके बिना हमारी टीम अधूरी है। युग कायर को समझाते हुए कहता है, कायर उसके बिना भी हमारी टीम पूरी है, तूने देखा ना ये पहेली तूने सॉल्व करी है ना कि अभिमन्यु ने, उसे तो खुद नहीं पता था कि मेरे पापा का शरीर कैसे ढूंढेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, पर तूने उस पहेली को भी खोजा और उसे सॉल्व भी किया, अभिमन्यु के बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कायर पलट कर कहता है, युग पहेली को खोजना उसे सॉल्व करना एक अलग बात है, पर उस जगह पर पहुंचना वहां के खतरों से निपटना वो अलग बात है, उसके लिए हमें अभिमन्यु की मदद की जरूरत पड़ेगी, हमें नहीं पता वहाँ पर और कौन सा खतरा है जो हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए मेरा भी कहना यही है कि हमें कुछ दिन अभिमन्यु के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। युग गुस्से के साथ कहता है, अभिमन्यु ठीक नहीं होने वाला, तुम्हें दिख नहीं रहा वो मर रहा है, धीरे धीरे उसका घाव उसके सीने से अब उसके पूरे शरीर पर फैलने लग गया है, तुम्हें उसका हाथ दिखाई नहीं दे रहा? जैसे ही युग ये बात बोलता है सब लोग अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखने लग जाते हैं, और जैसा युग ने कहा था वैसा ही हो रहा था। अभिमन्यु के दाएं हाथ की उंगलियां काली होने लग गई थी, वही हाथ जिससे अभिमन्यु कभी एकास्त्र पकड़ता था उस पर भी वैसा ही कालापन और घिन भरा निशान था जैसा अभिमन्यु के सीने पर था। जैसे ही अभिमन्यु को एहसास होता है कि सब लोग उसके हाथ को ही देख रहे थे, वो तुरंत अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है और उनसे अपनी नजरें चुराने की कोशिश करने लग जाता है। कछुआ कुछ गुस्से के साथ कहता है, अभिमन्यु को कुछ नहीं होने वाला, समझा तू युग, वो ठीक हो जाएगा। युग हंसने का नाटक करते हुए कहता है, ये तू बोल रहा है कछुआ, वही कछुआ जिसने अपने टैरो कार्ड से भविष्यवाणी करी थी कि अभिमन्यु मर जाएगा, तुझे तो अपने टैरो कार्ड पर बहुत विश्वास था ना, अब क्या हुआ? युग जैसे जैसे बातें करते जा रहा था उसकी कलाई पर जो चार निशान बने हुए थे उनमें से जो चौथा इन्फिनिटी का निशान था जो उस वक्त आया था जब यामिनी और वो पानी के अंदर थे, वो इन्फिनिटी का निशान अब उभरने लग गया था, जैसे बॉडी में से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, उसमें मूवमेंट भी होने लग गया था। युग की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बात बोल नहीं रहा था बल्कि उसके अंदर से कोई और बोल रहा था। कछुआ पलटकर युग से कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, युग तू कुछ भी बोल, पर जब तक अभिमन्यु ठीक नहीं हो जाता हमारे साथ नहीं चलता, हम भी तेरे साथ नहीं चल सकते। युग कायर और कछुए को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम दोनों को नहीं चलना मेरे साथ तो मत चलो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही वहाँ पर चले जाऊंगा। अभिमन्यु युग को फिर रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, युग रुक जा, तू वहाँ पर अकेले नहीं जा सकता, देख कायर और कछुआ भी मान गए हैं, तू भी मान जा। युग पलट कर कहता है, तेरी बात तो मानेंगे ही ना अभिमन्यु, वो तेरे जो दोस्त हैं, मेरे थोड़ी। अभिमन्यु चुप खड़ा रहता है। युग गुस्से के साथ कहता है, मैंने सोच लिया है कि मैं वहाँ पर जाकर रहूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपने पापा का शरीर लाने के लिए मेरी शक्तियाँ ही काफी है। अभिमन्यु फिर युग को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, युग तू किन शक्तियों की बात कर रहा है जो तेरी है ही नहीं, तुझे खुद नहीं पता कि वो शक्तियाँ कब काम करती हैं, काम करती भी हैं या नहीं, या बस उस काले साए का कोई छलावा था ताकि तू उसे मारने के लिए खुद उसके पास जाए ताकि तुझे वो ये काम दे सके, तेरी कमजोरी का फायदा उठा सके। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग तू किन शक्तियों की बात कर रहा है जो तेरी है ही नहीं, तुझे खुद नहीं पता वो शक्तियाँ कब काम करती हैं, काम भी करती हैं या नहीं,
या बस उस काले साए का कोई छलावा था ताकि तू उसे मारने के लिए खुद उसके पास जाए ताकि तुझे वो ये काम दे सके, तेरी कमजोरी का फायदा उठा सके। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है अभिमन्यु, ना तेरी बातों में आना है, तेरी ये बहकाने की पुरानी आदत है। युग की इस बात से अभिमन्यु के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तूने? मेरी बहकाने की पुरानी आदत है, इसका मतलब कि मैं आज तक तुझे बहका रहा था? युग हामी भरते हुए अभिमन्यु पर आरोपों की बरसात करते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, हमेशा से यही तो करते हुए आ रहा है ना तू, मैं जो करना चाहता हूँ वो कभी करने ही नहीं देता है, हमेशा हमेशा अपनी मर्जी लगाते रहता है। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरी हर बात मानूं। युग एक के बाद एक ऐसी बात कर रहा था जिससे अभिमन्यु को गहरी ठेस पहुंचती जा रही थी। अभिमन्यु नम आंखों के साथ युग को देखते हुए कहता है, क्या कहा गुलाम? युग अभिमन्यु को गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, हाँ गुलाम, सही सुना तूने, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरी हर बात मानूं। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पंचम गांव जाकर रहूंगा, चाहे तुम में से कोई मेरे साथ चले या ना चले, अपने पापा की रूह को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, मैं वहाँ अकेले ही चला जाऊंगा। रहने दो, तुम लोग मत चलो मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ पंचम गांव अपने पापा की लाश ढूंढने। इतना कहकर युग वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी अभिमन्यु फुर्ती के साथ युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं युग, तू नहीं जा सकता। अभिमन्यु युग को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तू नहीं जा सकता युग, तू नहीं जा सकता, मैं तुझे तेरी जान को खतरे में नहीं डालने दूंगा, अगर तू गया तो सोच लेना इसका अंजाम क्या होगा। अभिमन्यु अपने दिल पर पत्थर रखते हुए युग की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तू गया तो हमारी दोस्ती आज अभी इसी वक्त यहीं पर खत्म हो जाएगी युग। अभिमन्यु की इस बात पर युग अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता है, जैसे अभिमन्यु की इतनी बड़ी बात का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभिमन्यु उससे दोस्ती रखे या ना रखे। युग भी नम आंखों के साथ अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, तू किस दोस्ती की बात कर रहा है अभिमन्यु? कौन सी दोस्ती? हमारी दोस्ती तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, तभी से जब से तूने मुझसे एक के बाद एक झूठ बोले हैं। तुझे क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तेरे सीने पर यह घाव कैसे आया? अभिमन्यु खामोश रहता है। अचानक से वो घबरा जाता है, जैसे उसे डर लग रहा हो कि कोई उसके राज न खोल दे, ऐसे राज जिसे जानने के बाद युग की तरह ही उसके बाकी के दोस्त भी उसे गलत समझने लग जाएंगे और उससे नाता तोड़ लेंगे। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ये घाव तेरे सीने पर एकास्त्र यूज करने से आया है ना? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? उस रात जब तू ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा था उस काले साए को मारने, तो उन बॉटफ्लाई ने तेरा रास्ता रोक लिया था ना, और उन्हीं से लड़ते हुए तेरे सीने पर यह घाव आया था जब तू मंत्रों का प्रयोग कर रहा था। युग की बात सुनकर अभिमन्यु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, युग को ये बात कैसे पता चली? उसने मुझे कब उस रात एक अस्त्र का यूज करते हुए देख लिया था? जितना मुझे याद है उस रात तो मेरे आसपास सिवाय बॉटफ्लाई के कुछ था भी नहीं, और युग तो हवेली के अंदर सो रहा था, मैंने खुद जाने से पहले देखा था, फिर उसे इस बात का पता कैसे चला? अभिमन्यु इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले युग बोल पड़ता है, तूने मुझसे इतने झूठ बोले है ना अभिमन्यु कि अगर गिनाने बैठा तो रात खत्म हो जाएगी, और मैंने कहा ना मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे अपने पापा का शरीर ढूंढने जाना है और मैं जा रहा हूँ अकेले। युग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहता है, मैं सालों से एक भ्रम में जी रहा था और आज मेरा वो भ्रम टूट गया है, आज मुझे पता चला है कि ना मेरा कोई सगा परिवार है और ना मेरे कोई दोस्त है। इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं होता है, बस कहने के साथ होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। इतना कहकर युग उस कमरे से बाहर निकलता है और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर का सारा गुस्सा उस दरवाजे को बंद करने पर लगाया हो। युग के जाने के बाद कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। अभिमन्यु का एहसास होता है कि उसे कायर, कछुआ और डायना से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें बता देना चाहिए था कि उसने एक अस्त्र का यूज किया था, पर वो जानता था कि अब वक्त निकल चुका था, उसे काफी देर हो गई है। कभी कभी हमें चीजें वक्त रहते कर लेनी चाहिए, वरना जब वक्त निकल जाता है तो काफी पछतावा होता है, जो इस वक्त अभिमन्यु को हो रहा था। कछुआ अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, अभिमन्यु तूने हमें बताया क्यों नहीं था कि तूने एकास्त्र का यूज किया था? अभिमन्यु को जवाब नहीं देता है, उसकी खामोशी उसके अंदर की शर्मिंदगी को साफ बयां कर रही थी। अचानक से उसके सीने का दर्द वापस से बढ़ गया था, उसे घुटन सी होने लग गई थी। कछुए के कहते ही कायर भी झट से बोल पड़ता है, मतलब तेरे सीने पर यह घाव एकास्त्र यूज करने से आया था?
वही एकास्त्र जिसमें तूने महाडायन का हीरा लगाया था। पर तूने इतनी बड़ी बात हमें बताई क्यों नहीं? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना अभिमन्यु का पक्ष लेते हुए कहती है, तुम सबकी सलामती के कारण कायर, तुम्हें तो पता ही अभिमन्यु तुम सबकी कितनी चिंता करता है। उसे डर था कि कहीं उसने तुम्हें ये बात बता दी तो तुम और न डर जाओ। और देखो आज युग के कारण वही हुआ ना, तुम डर ही रहे हो ये बात जानकर। डायना के जवाब पर कायर और कछुआ एकदम शांत हो जाते हैं। दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। और इधर अभिमन्यु युग के बारे में सोच रहा था। उसे युग की फिक्र होने लग जाती है। वो ये सोच सोच कर परेशान होने लग जाता है कि युग अकेला पंचम गांव जाने के लिए निकल गया है। अभिमन्यु पूरी तरह श्योर था कि ये उस काले साए की कोई खतरनाक चाल है। अभिमन्यु को युग की और भी ज्यादा चिंता सताने लग जाती है। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जाना होगा मुझे, मैं युग को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, वो दोस्त है मेरा, मुझे जाना होगा। इतना कहकर अभिमन्यु ने युग को रोकने जाने के लिए अपने तीन चार कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से पेट के बल गिर जाता है। ये देख डायना फुर्ती के साथ अभिमन्यु के पास जाते हुए चीखती है, अभी। कायर और कछुआ भी हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु के पास जाते हैं और अभिमन्यु को उठाने लग जाते हैं। अभिमन्यु दर्द से कराहते हुए बड़बड़ाता है, रोको रोको युग को, रोको उसे, मत जाने दो अकेले। दर्द से कराहते वक्त भी अभिमन्यु युग के बारे में ही सोच रहा था। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर ये अभी किस मिट्टी का बना है? इस युग ने इतना सब कुछ सुनाया इसे और यह है कि अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। अब तो चले गया है वो यहाँ से मरने के लिए, अच्छा ही है मर जाना चाहिए उसे, कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। अभिमन्यु फिर बड़बड़ाता है, मुझे जाना होगा, युग को रोकना होगा, मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकता। डायना अभिमन्यु को उठाते हुए उसे सहारा देते हुए कहती है, वो नहीं रुकने वाला अभी, तुमने उसे रोकने की कोशिश करी तो थी ना, तो क्या वो रुका? नहीं रुका ना, फिर जाने दो उसे, भला जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है? कछुआ भी डायना का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु डायना ठीक कह रही है, युग नहीं रुकने वाला, जाने दे उसे। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो ऐसे ही काम करता है, उसे अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया है इसलिए वो सब बोल रहा है और कोई बात नहीं है। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु जाने दे उसे। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कछुए, कायर हम युग को अकेले नहीं जाने दे सकते, वो दोस्त है हमारा। डायना रूठे स्वर में कहती है, क्या कहा अभी तुमने दोस्त? अभी तुमने सुना नहीं क्या युग ने क्या कहा? हम उसके दोस्त नहीं है, वो हमें अपना दोस्त नहीं मानता है। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, वो हमें अपना दोस्त नहीं मानता तो क्या हुआ डायना, हम तो उसे हमारा दोस्त मानते हैं ना, और हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी उसका साथ देकर, उसे ये बात बतानी पड़ेगी कि सच्चे दोस्त मरते दम तक साथ देते हैं। उसे बताना पड़ेगा कि दोस्त परिवार की तरह नहीं होते हैं बल्कि एक परिवार ही होते हैं। अभिमन्यु अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, हमें उसके साथ जाना होगा, हम युग को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। डायना अभिमन्यु से झगड़ते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो अभी, तुम भी तो उसके साथ जाने के लिए मना कर रहे थे और अब खुद उसके साथ जाने के लिए बोल रहे हो, ये जानते हुए कि वहाँ पर जान का खतरा है। अभिमन्यु पलट कर खांसते हुए कहता है, जान का खतरा है डायना, तभी तो मैं युग को वहाँ पर अकेले नहीं जाने दे सकता, वो दोस्त है मेरा, मैं उसके साथ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। इतना कहकर अभिमन्यु फिर एक कदम बढ़ाता है और लड़खड़ाने लग जाता है। अभिमन्यु गिरता उससे पहले डायना और कछुआ उसे पकड़ लेते हैं। गिरते ही अभिमन्यु जोर जोर से खांसने लग जाता है। डायना नम आंखों के साथ नाराजगी जताते हुए कहती है, अभी तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे और युग के साथ जाने की बात कर रहे हो। अभिमन्यु पलट कर कहता है, हाँ डायना, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा परवाह उसकी है, वो दोस्त है मेरा और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उसके साथ जाऊंगा। कछुआ अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु तू नहीं जाएगा, तुझे आराम की जरूरत है इस वक्त, अपनी हालत देख जरा। कायर भी अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु तुझे आराम की जरूरत है, कछुआ ठीक बोल रहा है, तेरी हालत ठीक नहीं है। अभिमन्यु फिर बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं मैं युग के साथ जाऊंगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, दोस्ती का पहला उसूल होता है दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं युग के साथ जाऊंगा। कछुआ समझ गया था कि अभिमन्यु बहुत जिद्दी है और सबसे ज्यादा जिद्दी वो युग के लिए है। अभिमन्यु को अपने आप से भी ज्यादा किसी की फिक्र थी तो वो युग की थी। कछुआ जानता था चाहे कुछ भी हो जाए अभिमन्यु कभी युग को अकेला नहीं छोड़ेगा। कछुआ अभिमन्यु से कहता है, तू यही चाहता है ना, युग अकेला ना जाए तो ठीक है, फिर मैं उसके साथ जाऊंगा, वो अकेला नहीं रहेगा, अब तो ठीक है। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ घबराते हुए कहता है, पर कछुआ मैं तेरी भी जान तो खतरे में नहीं डाल सकता ना,
कछुआ नम आंखों के साथ कहता है, अभिमन्यु तुझे क्या लगता है, युग सिर्फ तेरा दोस्त है, वो हमारा भी दोस्त है और उसके लिए हम भी अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं, समझा, हम सब दोस्त हैं। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, हाँ अभिमन्यु मैं भी उसके साथ जाऊंगा, तुझे युग की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों के बीच में इतना प्यार देखकर डायना की भी आंखें भर आई थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई दोस्ती के लिए इतना कुछ कर सकता है। कछुआ और कायर दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, हम जाएंगे अभिमन्यु युग के साथ, बस तू अपना ख्याल रख, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर अगले ही पल कायर, कछुआ, अभिमन्यु तीनों एक साथ गले मिल जाते हैं। उन तीनों के अलग हटते ही डायना नमाखों के साथ कछुए और कायर को देखते हुए कहती है, तुम दोनों भी अभी की चिंता मत करना, उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, तुम दोनों बस अपना और योग का ख्याल रखना। सुना है पंचम गांव में जगह जगह पर मौत मंडराती है, सोच समझ कर कदम रखना, देखोगे सोचोगे ढूंढोगे तो पाओगे, हड़बड़ाओगे तो मारे जाओगे। डायना की बात सुनते हुए कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये क्या बड़बड़ा रही है। कायर इसके आगे कुछ सोचता उससे पहले कछुआ कायर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चल चल अब जल्दी, बहुत देर हो गई है। कायर और कछुआ कमरे से बाहर निकलते हैं और सीधे युग के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर युग नहीं था। वो युग को ढूंढने लग जाते हैं पर युग उन्हें नहीं मिलता है। वो समझ जाते हैं कि युग अकेले ही पंचम गांव जाने के लिए निकल गया है। वो भी तुरंत हवेली से निकलने लग जाते हैं। कछुआ और कायर अभी हवेली से बाहर निकले ही थे कि तभी कायर को कुछ याद आता है और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए मन ही मन सोचने लग जाते हैं, शिट वो लाना तो भूल ही गया, वो मुझे लाना होगा, उसके बिना मैं नहीं जा सकता हूँ। कायर कछुए से कहता है, कछुए तू यहीं पर है, मैं दो मिनट में आया वो लेकर, वो लेना तो मैं भूल ही गया था, उसके बिना नहीं जा सकते। कछुआ मुंह बनाते हुए परेशान होते हुए कहता है, क्या लेना भूल गया अब तू। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।